हाय गाइस वेलकम बैक द साइट संजीप पांडे आप देख रहे हो एडुहैब और यहां पर सीबीएसई सिंपलीफाइड में भाई साहब जो चैप्टर होगा ना केमिस्ट्री की जान माना जाता है इस चैप्टर को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ठीक है इस चैप्टर को मैं पहले ही बोल देता हूं हरी जिंदगी में भाग भागदौड़ कर रहे हो तो मत पढ़ना जब इतनीNaN से बैठे हो ना तभी इसको पढ़ना ठीक है सो so, और क्या अलग होने वाला क्या डिफरेंट होने वाला कि जैसे हमने अब तक की सीरीज में क्या किया ना कि पहले से कंटेंट आपका अवेलेबल होता था मतलब तो स्क्रीन पे टेक्स्ट वो सब चीजें इसमें हम क्या कर रहे हैं रियल टाइम आपको एकदम दिमाग में प्रोसेस होने का भी टाइम मिलेगा जब मैं लिख रहा हूँ तो मेजोरिटी कंटेंट कंटेंट मैं लिख रहा हूंगा जो इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चैप्टर्स में भी आपने देखा होगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को आई okay, और सबसे पहले कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कार्बन इज वाई कार्बन इज सो इंपॉर्टेंट सर इसमें क्या खास बात है तो इसकी कुछ खास बात मैं डायरेक्टली बताता हूं कि तुम ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी धरती पे चाहे जो भी प्लांट्स हो ठीक है या एनिमल्स हो हम हो तुम हो है ना जितने माइक्रोब्स हो दे आर उनका जो पता है जो की एलिमेंट है जो सबसे प्राइमरी एलिमेंट जिससे ये सब बने हैं दे आर ऑल मेड ऑफ कार्बन कार्बन से बना ठीक है आप चाहे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ठीक है किसी चीज की बात करो उसमें की एलिमेंट जो है वो कार्बन है ठीक है तो आप ये समझ लो अर्थ पे लाइफ है तो बिकॉज ऑफ द प्राइमरी कार्बन एलिमेंट ओके इसके अलावा तुम जो भी इम्पॉर्टेंट मतलब ऑल दी फ्यूल्स मेजोरिटी फ्यूल्स नॉट ऑल दी फ्यूल्स पर मेजोरिटी अगर मैं फ्यूल्स की बात करूं मेजोरिटी फ्यूल्स जैसे कि अपना वुड ले लो यार वुड से शुरू करते हैं वुड हो गया कोल हो गया पेट्रोल हो गया है ना डीजल हो गया कैरोसिन हो गया एलपीजी हो गया ठीक है नॉट हाइड्रोजन इवन तुम्हारा मीथेन जो बायोगैस होता है दे आर ऑल वॉट ये सब इंपॉर्टेंटली कार्बन के कंपाउंड्स है ठीक है तुम जो न्यूट्रिएंट्स की बात करो यार जो खाना लिविंग ऑर्गेनिज्म ना तो यहां पर अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो आ, जैसे कार्बोहाइड्रेट कहा मैंने ठीक है प्रोटीन कहा मैंने फैट कह दूं तो ये सब का भी की एलिमेंट कौन है कार्बन है ठीक है कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स जैसे विनेगर में जो आ, एसिड है या जो इथेनॉल जो अल्कोहल में पड़ता है जो मेडिसिन में भी पड़ता है इसके अलावा ऐसे बहुत सारे केमिकल्स का नाम यहां पर चैप्टर में देख रहे हो जो बहुत ही फेमिलियर बहुत कॉमनली यूज बहुत ही कमर्शियली इंपॉर्टेंट केमिकल्स है और वो सब का सब कार्बन से बना होगा ठीक है सर इसके अलावा आज के एज को आज के युग को प्लास्टिक एज कहा जाता है क्योंकि लगभग काफी सारी चीजें हमारे आसपास की प्लास्टिक से बनी हुई है, है ना तो वो प्लास्टिक भी भाई कार्बनी तो है कार्बन से ही तो बना है ठीक है चाहे मैं डायमंड की बात करूं चाहे मैं कोयले की बात करूं ठीक है या फिर मैं ग्रेफाइट की बात करूं मेड ऑफ कार्बन मैं अगर क्लोथ्स की बात करूं तो मेजोरिटी क्लोथ्स जो आपके आ, कौन से वाले कैटेगरी में जो नेचुरल वाले हो काफी सारे सिंथेटिक भी ठीक है मेड ऑफ कार्बन तो ये कार्बन इतनी जगहों पे इतनी ज्यादा मतलब अगर हम बात करें हमारे अंदर और हमारे बाहर मेजॉरिटी केमिकल्स ठीक है मेजोरिटी थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन मैं ये लकड़ी के सामान देख रहा हूं ये प्लास्टिक की कुछ चीज देख रहा हूं ठीक है मैं चाहिए फोम देख रहा हूं ठीक है तो बहुत सारी चीजें हमारे आसपास कार्बन से बनी हुई है इसीलिए कार्बन इज इम्पोर्टेंट इन और इसीलिए हम कार्बन को यहां पर इस इस चैप्टर चैप्टर में में पढ़ते हैं यानी स्पेशली हम कार्बन को पढ़ते हैं ठीक है अब एक बात समझो कि कार्बन को एज ए भी देखते हैं उसके बाद फिर से कार्बन की थोड़ी और बात करेंगे एज ए आपने पढ़ा होगा कि भाई शुरू के बीस एलिमेंट्स याद होंगे कार्बन छठवें नंबर पे आता है मतलब कार्बन का ये सिक्स क्या है ये सिक्स उसका एटॉमिक नंबर है व्हाट डू मीन एटॉमिक एटॉमिक नंबर नंबर का मतलब है भैया कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो छह इलेक्ट्रॉन्स है है ना अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं तो सिक्स एटॉमिक नंबर सिक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ तो सिक्स है वो ठीक है और जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि प्रोटॉन तो भाई सेंटर में होता है अलॉन्ग न्यूट्रॉन अच्छा कार्बन में न्यूट्रॉन भी छह होता सो व्हेन आई से कार्बन में न्यूट्रॉन भी छ होता है तो इसका मतलब यह हुआ एंड यू नो दैट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंबाइन करते हैं सिक्स प्रोटॉन्स एंड सिक्स न्यूट्रॉन्स तो टोटल कितना हुआ ट्वेल्व तो दैट यू ट्वेल्व ट्वेल्व इज मास नंबर ऑफ कार्बन और यहां पर मैं इससे ज्यादा इंटरेस्टेड पता किस चीज में हूं आई एम मोर इंटरेस्टेड इन गिविंग यू सर, तो आप देख पा रहे होंगे कि पहली ऑर्बिट में कार्बन के फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन सही बात है फर्स्ट ऑर्बिट में एक दो इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन ठीक है तो एंड यू नो नाइन्थ में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन के बारे में नहीं पढ़ा है, तो वीडियो लास्ट ऑर्बिट तो को वैलेंस शेल भी कहा जाता है तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है चार इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसको क्या कह सकता हूं कि कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी है कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है सो दैट इज सही है और अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर हो तो इसका मतलब अगर वो कंपाउंड फॉर्म करने जाए केमिकली स्टेबल बनने जाए तो वो डोनेट करने में भी वो चार डोनेट करने की एबिलिटी रखेगा गेन करने भी हो सकता है कि चार गेन कर ले फोर प्लस फोर एट हो जाए ऑक्टेट पूरा हो जाए या शेयर भी उसको चार करना मतलब एनी व्हिच वेज बोलने का मतलब यह है कि उसका जो वैलेंसी है इसी वजह से यू कैन से दैट कार्बन का वैलेंसी जो है वो कितना है इट इज 4 और अगर किसी एलिमेंट का वैलेंसी 1 होता है तो उसको हम मोनोवेलेंट एलिमेंट बोलते हैं जैसे हाइड्रोजन या क्लोरीन अगर कोई एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 2 होती है तो उसको हम डाइवेलेंट एलिमेंट बोलते हैं 3 होती है तो ट्राईवेलेंट बोलते हैं और चार होता है तो टेट्रा वैलेंट टेट्रा फोर सो देर फोर आई कैन कंक्लूड कि भाई हैंस कार्बन इज अ वैलेंट एलिमेंट सही बात है टेट्रा वैलेंट टेट्रा एनिफोर वैलेंट यानी वैलेंसी ठीक है कार्बन इज अ टेट्रा वैलेंट एलिमेंट कोशिश करना कि अगर आप इसको चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हो नोटबुक पेन लेके बैठो ईमानदारी से नोट करते जाओ जैसे तुम अपने स्कूल में या क्लास में जहां पर भी आप पढ़ते हो ना ईमानदारी से एक बार वो ट्राई कर देखना इट इज हंड्रेड परसेंट गोइंग टू बी इफेक्टिव ठीक है चलिए आगे देखते हैं और जैसे मैंने बताया कि कार्बन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जगहों पर भाई मेरी किताब हो या कुछ भी हो भाई कार्बन से बना हुआ क्या बात है रोना आ गया मेरे को कार्बन से बना हुआ पे, पेपर से बने पेपर पे लकड़ी से लकड़ी ना ट्री से ट्री कार्बन है तो इंपॉर्टेंट तो है ये पर अब मैं कुछ और बात कर रहा हूं इट इज अबाउट दी वर्सेटाइल नेचर एंड मोर मोर इंपॉर्टेंटली इट इज इट इज इट इज हैविंग सम यूनिकनेस कार्बन जो है वो यूनिक भी है क्या क्यों यूनिक है सर वो अपने को थोड़ा इनडेप्थ जब हम जाएंगे तो पता लगेगा बट वैसे अगर मैं कहना चाहूं तो उसके पास एक बहुत ही स्पेशल खूबी दी है ऊपर वाले ने सुप्रीम नेचर ने कुछ उसको ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करी है कि भाई वो इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है कि बाकी एलिमेंट मिलके भी इतने सारे कंपाउंड्स नहीं फॉर्म कर सकते आप समझ रहे हो समझ रहे हो कार्बन अगर मैं बाकी एलिमेंट्स की बात करूं जितने भी मतलब 118 एलिमेंट्स मान लो है तो 118 में से मैं कह रहा हूं कि भाई एक तरफ तुम खाली कार्बन के कंपाउंड्स को रखो मतलब उसमें बाकी एलिमेंट्स हो सकते हैं पर कार्बन नेसेसरीली। कार्बन के कंपाउंड्स का जितना भी क्या अब कार्बन के कंपाउंड्स है उसको मैंने ये मेरे राइट में प्लेस करता गया। उसको काउंट करता गया और जितने भी नॉन कार्बन मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है पर कार्बन नहीं हो सकता नॉन कार्बन कंपाउंड उसको मैं लेफ्ट साइड में यहां पर लगाता गया काउंट करता गया और सरप्राइजिंगली तुम ये पाओगे कि द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड उंड सो कार्बन कैन फॉर्म इतना सारा कंपाउंड इतना सारा कंपाउंड क्या बताऊं इट कैन फॉर्म कितना सारा कंपाउंड ठीक है सो कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है ये उसकी यूनिकनेस है इसके पीछे क्या कारण है वो कारण भी हम देखेंगे पर फिलहाल दिमाग में सेट कर लो भाई क्या क्या खूब है कार्बन मतलब चाहे हमारी बॉडी हो चाहे प्लांट्स हो चाहे फ्यूल हो बहुत सारे मेजोरिटी या फिर जो भी हम न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं प्लास्टिक ये सब कार्बन से बना हुआ है और दूसरी तरफ हमने एक चीज क्या आप समझा कि नंबर ऑफ कार्बन कार्बन कैन फॉर्म इन ऑलमोस्ट इनफिनिट नंबर ऑफ कॉम्पाउंड ठीक है तो उसके पास ये कमाल की खूबी कहां से आई कैसे आई वो सब तो अपन देखेंगे पर यही उसकी यूनिकनेस है पहले समझो that it can form large number of compounds almost infinite number of compounds tum dekhoge abhi theek hai number of all carbon compounds is greater than all the non carbon compounds just for example uh, maine carbon dioxide le liya maine carbon monoxide le liya maine ch4 le liya theek hai maine C6H12O6 h12o6 le liya ठीक है मैंने CS2 एस टू ले लिया कार्बन डाइसल्फाइड तो जितने भी ये सब दीज आर कार्बन कंपाउंड्स इसको एक कैटेगरी में रख लो और नॉन कार्बन में जैसे कि एच टू ओ हो गया ठीक है या फिर के एम एन ओ फोर हो गया या फिर एच टू एस ओ फोर हो गया या एच एन ओ थ्री हो गया इसमें बाकी एलिमेंट्स है पर कार्बन नहीं है सो आर नॉन कार्बन कंपाउंड ये कार्बन के कंपाउंड तो ये जो संख्या है ये उनसे बहुत ज्यादा है ठीक है

फिर उसके बाद एलिमेंट्स के कंपाउंड्स वो सब चीजें तुमको पढ़नी है तो दो कैटेगरी हो गई एक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो नॉन कार्बन कंपाउंड्स तुम फिलहाल के लिए समझ लो कि उनको एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ठीक है मैं नॉन कार्बन कंपाउंड कह रहा हूँ पर ठीक है तुम थोड़ा समझो वैसे डेप्थ में जाओगे तो और समझ में आएगा कार्बन में भी ऑर्गेनिक कंपाउंडस और नॉन इनऑर्गेनिक uh, भी हो सकता है सो so, आप ये समझो कि कार्बन का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके लिए एक अलग ही केमिस्ट्री है विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो so, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑल दी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ठीक है सर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का थोड़ा फर्क बताए पढ़ोगे आगे चिंता मत करो अभी फिलहाल तो मैं समझो कि कार्बन को अलग से पढ़ रहा है। ठीक है फिलहाल सो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन सर ये क्या नाम बता रहे हो आप ये कैसा स्ट्रक्चर है सर ये मतलब पढ़ना ही नहीं है मेरे को सर रहने दो ये चैप्टर छोड़ देते हैं हम थोड़ा तो शांति रखो लेक्चर खत्म होते होते ना तुम मास्टर बन के जा रहे हो ठीक है सो दिस इज डन मैं इसका ये चीज तो आगे पढ़ेंगे फिलहाल ये समझ लो कि यहां पर हमने यही समझाया कार्बन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है भाई बहुत सारे ठीक है थीके? अच्छा अभी उसकी ना जो यूनिकनेस है उसके हम कारण समझेंगे सो देर आर फोर मेन रीजन देर आर फोर मेन रीजन जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं सर कौन से कौन से चार रीजन है सर सो रीजन बिहाइंड यूनिकनेस ऑफ़ कार्बन तो पहला है टेट्राकोवेलेंसी पहला है टेट्राकोवेलेंसी नाम पहला देख लो पहले दूसरा है कैटिनेशन तीसरा है पॉलीमराइजेशन चौथा है आइसोमेरिज्म सर सब बाउंसर गया जिसने थोड़ा पिछला सीरीज के थ्रू चैप्टर पढ़ाया उनको तो आ रहा होगा या अच्छे से यह पढ़ लिया मतलब थोड़ा बहुत भी तो थोड़ा समझ आओ और नहीं तो फिर क्या शब्द है सर वैलेंसी बोला था आपने फिर टेट्रा को कहाँ से आ गया ये को, 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 को कोला का को है क्या कि कार्बन का को है सो so, वो मैं बताता हूं पहले ये नाम समझ लो टेट्रा कोवेलेंसी दूसरा कैटिनेशन तीसरा पॉलीमराइजेशन चौथा आइसोमेरिज्म सर आइसोमर्स सुना तो है ये चार कारण है ये चार रीजंस है मैं आगे इसके बताऊंगा एग्जैक्टली डिटेल पर आप समझ आर फोर मेन रीजंस व्हाई कार्बन कैन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स सर कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे फॉर्म कर सकता है उसी का कारण समझ रहे हूं ठीक है सो सो लेट अस स्टार्ट एक एक वन बाय वन हम इसको कवर करते हैं तो सबसे पहले टेट्रा कोलेंसी टेट्रा कोलेंसी सर जैसे आपने संधि विच्छेद किया टेट्रा और कोवेलेंसी टेट्रा यानी कि भाई ये तो समझ आ गया टेट्रा यानी फोर होता है तो ये तो पता है कि भाई कार्बन के जो वैलेंसी है उसकी बात हो रही है कार्बन की जो वैलेंसी है वो फोर है इट इज वेरी ऑब्वियस कार्बन की वैलेंसी फोर है इसलिए हमने टेट्रा बोला ठीक है और कोवेलेंसी मतलब कोवेलेंस मतलब क्या होता है देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड मतलब टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन कंपाउंड दो तरीके से फॉर्म होता है एक बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम 281 है बराबर क्लोरीन है 287 बराबर सो वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम इज ट्रांसफर टू दैट क्लोरीन और इससे क्या होता है सोडियम भी केमिकल स्टेबल हो जाता है सोडियम कैटाइन बनके क्लोरीन भी केमिकली स्टेबल बन जाता है क्लोराइड एन आयन ये तुमने आयनिक कंपाउंड्स वाले सेक्शन में मेटल में पढ़ा है नहीं पढ़ा तो उसमें देख लेना एंड दिस इज हाउ नाइन्थ में भी थोड़ा बेसिक समझा है इसके बारे में जिन्होंने भी बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी है अपनी वाली ठीक है जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो देख सकते हो केमिस्ट्री में जिनको भी अगर बेसिक लेवल को दिक्कत आ रही है ना बेसिक केमिस्ट्री यू हैव डाल देना यू विल गेट फोर टू फाइव फोर चार या पांच वीडियो का वो सीरीज है आधे आधे घंटे का लगभग उसको देख लेना तुम्हारा एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा प्रॉपरली ठीक है तो वो कर सकते हो और अगर आ रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है सो नाउ एन ए प्लस एन सी एल माइनस ये मेटल इलेक्ट्रॉन देने वाला हमेशा मेटल होता है और लेने वाला हमेशा नॉन मेटल होता है और फिर ये आपस में अपोजिट आयंस दे दे कम क्लोज एंड बिकम केमिकली भी स्टेबल हो गए इलेक्ट्रिकली भी स्टेबल हो गए एंड दिस इज हाउ कंपाउंड इज फॉर्म कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रोवाल कंपाउंड या फिर आयोनिक कंपाउंड आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवाल ठीक है पर मैं जिसकी बात कर रहा हूं

ंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई इस हाइड्रोन के पास एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा हाइड्रोजन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, है ना एंड दे बिकम उनका ड्यूप्लेट फॉर्म हो जाता है, when they share that electron. ठीक है? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां भी होगा वो क्या होता है कोवेलेंट कंपाउंड होता है राइट right. तो कोवेलेंसी का मतलब सर क्या है अपने लिए कार्बन का वेलेंसी फोर है एंड स्ट्रांगली कोवेलेंट कंपाउंड ही फॉर्म करता है मतलब सर क्या है? वो ये इस टाइप से कंपाउंड नहीं फॉर्म करता कार्बन नहीं करता कार्बन सिर्फ और सिर्फ उसको नेचर ने सिर्फ बोला कि भाई देख तेरे को एक ही चीज दे रहा हूं लेकिन एकदम जी तोड़ के दे रहा हूं ठीक है मतलब एक ही प्रॉपर्टी तेरे को ना बाकी एलिमेंट्स में रहेगा कि हम वो शेयरिंग भी कर सकते हैं ट्रांसफर भी कर सकते हैं ले भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन दे भी सकते, सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करेगा पर तू मास्टर होगा उसमें ठीक है तो यहां पर ये बहुत ही कमाल की चीज है कि कार्बन को उसका वैलेंसी फोर है और कार्बन को एक ही खूबी मिली है कि इट कैन ओनली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स कंपाउंड इट कैन ओनली फॉर्म कोवेलेंट इसलिए को वैलेंसी टर्म है कोवेलेंट कंपाउंड्स कंपाउंड आ रही बात समझे और ये आ रही है कि सर ये हम पढ़ के रहे थे असल में हम ये पढ़ रहे थे कि भाई ऐसा क्या कारण है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है पर मैं यहां जो तुमको चीज बता रहा हूं थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टी लग सकता है कि सर यहां पर तो आप ये बता रहे कि वो वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म ही नहीं कर सकता तब तो वो ज्यादा काम वो तो कम कंपाउंड फॉर्म करेगा पर मैं वही बोल रहा हूं कि नेचर ने उसको ये एक्सक्लूसिव बात बताई कि भाई ठीक है तेरे को एक ही चीज दे रहा हूं लेकिन बहुत ही कमाल की तू तो इतने कंपाउंड फॉर्म कर पाएगा ना कोवेलेंसी तेरी खूबी होगी मतलब सुप्रीम खूबी होगी तेरे पास बाकी कोई भी एलिमेंट के पास कोवेलेंसी की ये खूबी नहीं होगी जो कार्बन के पास है ठीक है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने में वो मास्टर है ठीक है तो कार्बन द वैलेंसी ऑफ कार्बन व्हाट इज टेट्रा कोवेलेंसी तो वही बता रहा हूं द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फोर एंड इट कैन ओनली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड दिस इज टेट्रा कोवेलेंसी पर यहां पर यह भी समझना होगा है ना बबुआ कि ओनली फॉर्म कोअल एंड कंपाउंड मतलब यहां पर यह समझना होगा वाई कांट इट फॉर्म आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवाइलेंट एक ही बात है कंपाउंड ठीक है हमको ये जो है जानना जरूरी है कि ठीक है सर आप बता रहे हो मास्टर होगा पर ठीक है क्यों नहीं वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता वो बताओ आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है अभी बताया था मैंने कि या तो इलेक्ट्रॉन देना या तो इलेक्ट्रॉन देना एक्सेप्ट करना ना ही ये इलेक्ट्रॉन ये जो कंपाउंड फॉर्म कर सकता है ये सिर्फ शेयरिंग से कर सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता तो मेरे को वही जानना है वैन आई एक्सप्लेन दिस आई हेल एक्सप्लेन जस्ट टू थिंग्स पहला वाई कांट इट एक्सेप्ट चार तो है पहले से है ना टू को माफ चार इलेक्ट्रॉन है कार्बन में चार इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो बाहर से चार मंगा लेता भाई तब भी काम हो जाता या अपना चार दान कर देता तब भी काम हो जाता पर एक दोनों में से कोई नहीं कर रहा है ना कुछ नहीं कर रहा सो वाई कांट इट एक्सेप्ट फोर इलेक्ट्रॉन्स वो बताऊंगा और दूसरा चीज वाई कांट इट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन सर ये एक्सेप्ट भी, भी नहीं कर रहा है मतलब कुछ तो बताओ कि क्यों नहीं कर पा रहा तो देखो बात ये है कि कार्बन के न्यूक्लियस में ऑब्वियसली सिक्स न्यूट्रॉन्स है न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होता है पर चार्ज जो है कहाँ है ऑब्वियसली प्रोटॉन्स का तो छह प्रोटॉन्स न्यूक्लियर चार्ज मान लो कि इसका सिक्स है सिक्स प्रोटोन का न्यूक्लियर चार्ज है और सर इसके ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो इसके पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है और दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है एक दो तीन चार मतलब यहां पर ऑलरेडी प्रोटॉन देखो प्रोटॉन्स पॉजिटिव है वही और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है सो दीज आर नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड वही यही प्रोटॉन ही तो करता है जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहीं निकल नहीं जा रहा भाग दौड़ नहीं कर रहा वो अपने ऑर्बिट अपने न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है सो so, ये प्रोटॉन्स ही हैं जो न्यूक्लियर चार्ज बना रहे हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन पकड़ में है बुंदा हुआ है सो ऑलरेडी यू कैन सी की सिक्स प्रोटॉन्स हैव प्रोटोन जिम्मेदारी टू होल्ड सिक्स इलेक्ट्रॉन्स छह प्रोटॉन जो है वो ऑलरेडी छह इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने की जिम्मेदारी निभा रहे सही बात है अब अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई तू एक काम कर तू चार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले मान लो कोई एटम मैंने सामने लाया और बोल दिया कि भाई तू उसको चार इलेक्ट्रॉन दे दे तो अगर ये चार इलेक्ट्रॉन इसको दे भी देते हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पहले से छह इलेक्ट्रॉन थे चार इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्या दिक्कत आएगी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सिक्स प्लस फोर कितना हो गया इलेक्ट्रॉन दस इलेक्ट्रॉन हो गए प्रोटॉन बड़ा क्या नहीं प्रोटॉन छह ही है ये रेशियो लगभग डबल का हो गया ना कि अब छह प्रोटॉन को लगभग दुगुने इलेक्ट्रॉन संभाल लें है ना तो यहां पर सीधी सी बात है कि मैं एक ही लाइन में लिख दूंगा सिक्स प्रोटॉन्स केन नॉट होल्ड टेन इलेक्ट्रॉन्स सीधी बात लिख रहा हूं यहां पर सिक्स प्रोटॉन्स केन नॉट होल्ड दस इलेक्ट्रॉन्स बात सही है सही है ओके okay. अब सर मान लिया आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में दिक्कत है क्योंकि छह प्रोटोन दस इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा भाई डोनेट करने में क्या दिक्कत थी चार इलेक्ट्रॉन भी तो कर सकता था, करना मतलब काफी एनर्जी खर्च करना होता है ठीक है मतलब लगभग वो शादी कराने जैसा होता है कि मान लो अपने बच्चे की शादी करानी है तो शादी कराना मतलब ऑलवेज एक्सपेंस है तो भाई अगर मान लो किसी मनुष्य के चार बच्चे और उसको थोड़ा मिड क्लास टाइप का कोई मनुष्य है चार बच्चे हैं और ऐसी है, ऐसा कुछ ये है कि भाई चारों बच्चों की शादी एक साथ करनी है भाई बड़ा तकलीफ की बात है कि नहीं मतलब ये लिखा है राशि में कि सबको चारों की शादी एक साथ करनी है सो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क है ना बड़े लोगों के लिए मुश्किल नहीं है बट अपने जैसे लोगों के लिए तो भाई मिडिल क्लास लोगों के लिए तो मुश्किल है सही है सो so, यहां पर लगभग वैसे रिलेट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इज वॉट इज एनर्जी कंज्यूमिंग एनर्जी एक्सपेंडिंग प्रोसेस एंड फॉर अ स्मॉल एटम बाकी बड़े टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स भी हैं जैसे कि सिलिकॉन और बाकी एलिमेंट्स जिसमें चार इलेक्ट्रॉन होता है लाशूल बिकॉज पर उनके पास उतना कैपेसिटी भी होता है भाई बड़े लोग हैं न्यूक्लियस चार्ज तगड़े हैं उनके पास एनर्जी है उतनी फॉर अ स्मॉल एटम सबसे स्मॉलेस्ट एटम दो ही ऑर्बिट है भैया फॉर अ स्मॉल आइटम लाइक कार्बन डोनेटिंग सिक्स डोनेटिंग फोर इलेक्ट्रॉन एंड इक्वेलेंट एनर्जी इज नॉट पॉसिबल है ना उसके चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए जो एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी उतना उसके पास नहीं है खर्च करने के लिए सो अ स्मॉल एटम लाइक कार्बन Cannot expend the amount of energy required for donating four electrons. वो एक्सपेंड नहीं कर सकता इट इज नॉट हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी भाई एक दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात होती तो अलग होता उसको चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करने सो फॉर अ स्मॉल एटम लाइक कार्बन इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव दै इट इज नॉट हैविंग ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी सो मुश्किल है राइट सो कार्बन की वैलेंसी फोर है और वो ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता ना एक्सेप्ट कर सकता है मतलब उसके पास आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करने का ऑप्शन ही नहीं है इट कैन ओनली डू कोवल बॉन्डिंग तो नेचर ने जैसा मैं बताया कि नेचर ने जब किसी को कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया तो एक तरफ उसको छप्पर फाड़ के देता है कोवल कंपाउंड फॉर्म करने की उसकी कमाल की खूबी है यहां पर एक लाइन एड कर सकते हो हाउेवर दबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग कोवल एंड कंपाउंड विथ कार्बन इज सुपर यूनिक ठीक है या फिर कार्बन हैज अ सुपर एबिलिटी टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स इट कैन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड लाइक एनीथिंग यार इतने कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है बस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ठीक है टेट्रा कोवलेंसी याद रखना कि ये कार्बन की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है एक्सक्लूसिव का मतलब पता क्या होता है ये प्रॉपर्टी कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट में सही है दिस इज द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन सही बात है ओके okay. आगे चलते हैं जी यस yes. अब दूसरी सो so डन, दूसरा रीजन जिससे कि जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर पाता है दैट इज कैटनेशन नाउ व्हाट इज कैटनेशन पहले मैं बता दूं, कि भाई कार्बन ना शेयरिंग कर सकता है पता है भाई देखो कार्बन का मान लो दूसरी ऑर्बिट का दो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में वन टू तो, थ्री फोर इलेक्ट्रॉन है ये बाजू वाले कार्बन आइटम से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है ठीक है फिर वो जो बाजू वाला है वो भी एक और बाजू वाले कार्बन आइटम से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है फिर वो जो है दैट ऑल्सो कैन फॉर्म अब देखो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं ठीक है तो ये इसका कोई लिमिट नहीं है कितना भी बना सकता है ये मैंने बोला ना शेयरिंग की कमाल की खूबी है तो वो खूबी अब यहां पे आना दिखना शुरू हुआ सेकेंड पॉइंट में कि देखो कार्बन दूसरे एलिमेंट की बात नहीं कर रहा कार्बन कार्बन के साथ ही सेम अपने ही एंड जैसे एटम से लिंक कर करके बड़े बड़े चेन ब्रांचेस भी बना सकता है रिंग भी बना सकता है रिंग स्ट्रक्चर वो भी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे ठीक है क्लोज स्ट्रक्चर जैसे कि ये हो गया तुम्हारा रिंग स्ट्रक्चर ठीक है ये हो गया रिंग स्ट्रक्चर दिस है ना क्लोज स्ट्रक्चर सो कार्बन हैज अूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बाय विच इट कैन और ये ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है ये सिलीकॉन और दूसरे एलिमेंट्स में भी है पर दिस इज ऑल्सो जबरदस्त एबिलिटी कि भाई कोई एलिमेंट अपने ही जैसे एटम से लंबे लंबे लंब चेन सेम एटम का प्रॉपर्टी है कैटेनेशन मतलब कार्बन कार्बन से ही मिलके लंबे लंबे लंब चेन बना सकते ठीक है दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन एल राइट दिस राइट द डेफिनेशन द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन atoms of same element to form long chain branches and ring structures ठीक है इस कॉल्ड कैटिनेशन ठीक है बोलने का मतलब है कार्बन कार्बन से ही मिलके लंबे लंबे चेन बना सकता है ठीक है इवन ये चेन के अलावा ये ऐसा ब्रांच भी फॉर्म कर सकता है ब्रांचेस भी फॉर्म कर सकता है देखो ऊपर नीचे ब्रांच निकल रहा है और मैंने क्या बताया ऐसे क्लोज रिंग स्ट्रक्चर भी ये फॉर्म कर सकता है ठीक है सो दिस प्रॉपर्टी बाय विच कोई भी एलिमेंट के एटम्स अपने जैसे एटम से मतलब अपने जैसे नहीं मतलब सेम एलिमेंट के एटम से जुड़ जुड़ के लंबे लंबे चेन ब्रांचेस और रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं ठीक है डेफिनेशन समझ के ध्यान में रखो रट्टा नहीं मारना है द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग ब्रांचेस लॉन्ग चेन ब्रांचेस एंड रिंग स्ट्रक्चर मैंने दसवीं में पढ़ा था टेंथ में वही याद चल रहा है था ऐसा नहीं कि टेंथ के बाद से पढ़ा तैयार होगा ठीक है एक बार ध्यान आ गया कई बार पढ़ा लिया बट समझ के याद रखना मतलब बोलते ना लोग कि यार सर सब कैसे याद रहता है टीचर्स को कुछ लोग बोलते हैं सर टीचर्स को एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है पर ऐसा नहीं है मतलब पॉइंट ये है कि इसको समझ के याद ध्यान में रखा जाए ना तो वो नहीं बोलते अपन ठीक है और रिवाइज करना समय समय पर जरूरी है ओके तो ये हो गया कैटिनेशन टेट्रा कोलेंसी समझ ली कैटिनेशन समझ लिया अगला क्या था सर अगला ध्यान में आया ये पॉलीमराइजेशन फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म वो दो पॉइंट भी देखेंगे लेट्स लेट्स सी पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन so, क्या है पॉलीमराइजेशन का मतलब पॉलीमर सुना है तुमने पॉलीमर, मोनोमर में में थिंक था कि uh, ethene, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वो अ कंपाउंड इथीन को आपस में जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के लंबा इथीन का एक लंबा चेन बनाया जाता है जिसको पॉलीथीन बोलते हैं पॉलीथीन प्लास्टिक ऐसे कपड़े आते हैं पॉलिस्टर के तो पॉलिस्टर क्या है असल में ईस्टर नाम के कंपाउंड्स होते हैं छोटे छोटे ईस्टर वाले कंपाउंड्स को जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के और उसको बनाया जाता है है ठीक है? तो अब मैं ये बता रहा हूं कि भाई दिस वाई कार्बन देखो ये ध्यान में रखो पढ़ क्या रहे हो क्या कारण पढ़ रहे हो कार्बन इतने सारे कंपाउंड कैसे फॉर्म कर पा रहे हैं हमने दो तो पढ़ लिया अब तीसरा है पॉलीमराइजेशन सो तो ये देखो ये कार्बन एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये कार्बन एलिमेंट की प्रॉपर्टी अब मैं ये जो बता रहा हूं ये कार्बन के एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है कार्बन के कंपाउंड की प्रॉपर्टी है ठीक है कि कार्बन का कंपाउंड्स में भी कुछ ऐसी खूबी खुब, है जैसे ईस्टर हो गया इथीन हो गया और भी है जो आपस में लिंकअप कर करके और फिर वो बड़े बड़े कंपाउंड बना सकता है ठीक है मोनोमर से पॉलीमर्स बन सकता है मोनोमर तो मतलब सिंगल स्मॉल मोलिक्यूल्स पॉलीमर मतलब लॉन्ग फॉर्म मॉलिक्यूल जैसे फॉर एग्जाम्पल से कि भाई देखो ये क्या है ये तुम्हारा है इथिन ठीक है, इज योर इथीन सर ये कैसे बनाया आपने कैसे याद रखा है वो आगे तुमको भी आ जाएगा, चिंता नहीं करो। आ पढ़ेंगे, समझ जाएगा। so, मैंने बहुत सारी इथिन मैंने क्या किया मतलब समझ लो दस बीस पचास साठ जितने भी कंपाउंड है मैंने कुछ रिएक्शन किया ठीक है एंड बाय दैट रिएक्शन क्या हुआ कि जितने भी इथीन के कंपाउंड थे सब आपस में जुड़ गए जुड़ मतलब क्या ही जुड़े भाई आपस में जुड़ गए जितने भी थे मान लो एन नंबर थे तो एन कार्बन से जुड़ गए ठीक है सो so, अब ये क्या था दिस वॉज अ मोनोमर ये छोटा मॉलिक्यूल था ना इसको वैसे तो ये इथीन है पर ये क्या है छोटा मॉलिक्यूल कंपाउंड है एल कॉल इट एज मोनोमर स्मॉल यूनिट मॉलिक्यूल ठीक है मोनो का मतलब सिंगल यूनिट केमिकल ठीक है और यहां पे क्या बना ये पॉलीथीन बन गया विच इज नथिंग बट अ पॉलीमर पॉली मतलब मैनी मैथ्स में पढ़ा होगा पॉलिनोम तो यानी ये हो गया लॉन्ग यूनिट केमिकल्स लॉन्ग यूनिट मॉलिक्यूल्स ठीक है सो व्हाट इज पॉलीमराइज ये रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा पॉलीमराइजेशन सो so, मैं इसको कैसे कह सकता हूं कि भाई बहुत सारे ऐसे कार्बन के कंपाउंड हैं नॉट ऑल बट देर आर मेनी कार्बन व्हिच गो पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म पॉलीमर्स छोटे छोटे कंपाउंड थे मिलके एक नया कंपाउंड बना लिया छोटे छोटे कंपाउंड मिलके एक नया भाई इतने सारे कंपाउंड बनेंगे ही ना कार्बन के ऐसे ऐसी तो खूबी है इसके पास ठीक है ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र है इसके पास ओके okay. सो so, डेफिनेशन क्या होगा कैसे लिख सकते हो आप दी दी प्रोसेस बाय विच है ना दी प्रोसेस बाय विच मेनी मोनोमर्स मोनोमर्स को ब्रैकेट में आप लिख दो

ठीक है। इज कॉल्ड पॉलिमराइजेशन मेनी कार्बन कंपाउंडस हैव दिस अंडर कैन अंडरगो दिस प्रॉपर्टी मैनी कार्बन कंपाउंड्स हैव अबिलिटी टू अंडर गो पॉलीमराइजेशन बहुत सारे कंपाउंड कार्बन के ऐसे हैं जैसे मैंने बताया इथिन है इथिन से बनता है पॉलीथिन एस्टर से बनता है पॉलीस्टर और भी है बहुत सारे ठीक है कॉमन ये है तो इसको यहां पर रखते हैं ठीक है और स्ट्रक्चर वाइज तुमको इथिन का ही ध्यान में रखना होता है ठीक है तो ये हो गया पॉलीमराइजेशन सर कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों फॉर्म करा पा रहा है पहला टेट्राको एल एंसी दूसरा कैटिनेशन तीसरा पॉलीमराइजेशन, चौथा क्या आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म कुछ याद आ रहा है क्या ये बताओ चलो आखिरी सेम मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ठीक है तो पहले मैं आइसोमर्स लिख लेता हूं कि भाई कार्बन के ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जो सीधे ठीक है हर कार्बन के पास वैलेंसी फोर तो, हाइड्रोजन हम लगा रहे हैं हमने ये मैं जो बता रहा हूं नहीं समझ में आया तो आगे आ जाएगा डोंट वरी अब इसमें आप काउंट कर लो कार्बन कितने हाइड्रोजन कितने देर आर फाइव कार्बन ठीक है जस्ट सीधे सा उसका हर कार्बन के चार डंडे ठीक है एक और देख लो पांच कार्बन यहां भी है और हर कार्बन के पास चार डंडे होने चाहिए तो वो ध्यान में रखने के लिए मैंने यहां पर उस हिसाब से मैं हाइड्रोजन बना दिया अब यू जस्ट सी दिस कि ये तीनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, दे आर दे आर थ्री डिफरेंट कंपाउंड्स, थ्री डिफरेंट स्ट्रक्चर थ्री डिफरेंट कंपाउंड्स, बट बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज पांच कार्बन है और ऊपर पांच नीचे पांच यानी दस हो गया फिर ग्यारह और बारह आप देखोगे ना यहां पर हर एक का जो मोलिकुलर फार्मूला है सी एच टूएल्व है दिस इज ऑल्सो सी एच टूएल्व दिस इज ऑल्सो सी फाइव टूल्व तो यू कैन सी दैट सबका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्टिल दे आर थ्री डिफरेंट कंपाउंड मतलब सर कार्बन अच्छा इसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर पाता है कि भाई वही कार्बन अलग अलग तो अंदाज में अगर अरेन्ज हो गया तो दे विल भी फॉर्म इन डिफरेंट कंपाउंड कमाल है यार ठीक है देखो ना कार्बन नहीं एक इधर से उठा के इधर लगा दिया तो ये बन गया ठीक है फिर एक और निकाल यहां लगा दिया ये बन गया डिफरेंट कंपाउंड सो आर कॉल्ड आइसोमर्स ये एक ही कंपाउंड के आइसोमर्स है आगे इसके बारे में तो थोड़ा सा और बताऊंगा मैं आइसोमर्स अलग से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे ठीक है सो दिस दीज आर आइसोमर्स ये प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म बोलते हैं ठीक है सो so, पहले आइसोमर्स लिखेंगे कंपाउंड्स having same molecular formula but different structures yeah different structural formulas are called आइसोमर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिजम ठीक है एंड ये भी कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी है मैंने बताया ये कार्बन एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी ये भी एलिमेंट की दिस इज कंपाउंड का प्रॉपर्टी और ये भी कार्बन के कंपाउंड का प्रॉपर्टी है मेनी कार्बन कंपाउंड्स पोजेस दिस प्रॉपर्टी मेनी कार्बन कंपाउंडस प्रोजेस दिस सही बात है सो नाउ दैट वी नो की क्या क्या शुरू शुरू समझ लिया अभी थोड़ा रिकॉल कर लो कि सर कार्बन इतना इंपॉर्टेंट इतना स्पेशल क्यों माना जाता है क्योंकि कार्बन से हम बने हैं प्लांट्स बना है फ्यूल्स uh, बने हैं मेजोरिटी ठीक है प्लास्टिक uh, बना है एंड देर आर लॉट ऑफ कंपाउंड कमर्शियल कंपाउंड जो कार्बन से बने हुए हमारा खाना भी कार्बन से बना है नॉट uh, ठीक है uh, और कार्बन uh, की एक और खास बात है कि भाई वो इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर पाता है कि उसके लिए अलग से केमिस्ट्री रच गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो कार्बन कैन फॉर्म ऑलमोस्ट इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ द फोर थोड़ा आगे थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं और अब हम क्या करेंगे थोड़ा कोवलेंड कंपाउंड को समझना जरूरी है ठीक है अदरवाइज इस चैप्टर में थोड़ी मुश्किल हो सकती है तो जस्ट कोवलन कंपाउंड तीन तरीके उससे तीन टाइप के कोअलन कंपाउंड सिंगल कोवलन कंपाउंड डबल बॉन्ड डबल है ना सिंगल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले कोअलन बॉन्ड के टाइप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जैसे कि तुमने एग्जाम्पल सुना होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जैसे तुमने एग्जाम्पल सुना होगा ऑक्सीजन ओ फॉर्म में होता है नाइट्रोजन एन फॉर्म में होता है तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है इसमें डबल इसमें ट्रिपल देखो ऐसे सिंगल डबल ट्रिपल ऐसे दिखाते हैं ठीक है सर थोड़ा सा विस्तार में बताओ ऐसे कैसे चलेगा सर ऐसे नहीं चलेगा विस्तार में बताओ तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तुमको ध्यान नहीं देंगे तो नहीं चलेंगे ओके okay? तो थोड़ा सा ध्यान देने का पड़ेंगे सो आई से एक हाइड्रोजन कैसा दिखता है भाई एक हाइड्रोजन दिस इज हाइड्रोजन लाइक बस ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन कैसे दिखता है टू कोमा सिक्स नाइट्रोजन कैसे दिखता है टू कोमा फाइव अब देखो ये समझो कि इसको अगर डुप्लेट पूरा करना है तो इट वांट्स वन इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन की दरकार है इसको एक इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट पूरा करना है छह के साथ दो और जुड़ेंगे यानी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा हो जाएगा इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए पांच है तो तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बस ये समझ लो कि जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है जैसे हाइड्रोजन ठीक है जिसको दो की जरूरत पड़ेगी वो डबल बॉन्ड करना पड़ेगा जिसको तीन की जरूरत पड़ेगी ट्रिपल बॉन्ड कैसा होगा सर थोड़ा बताओ ना वापस मेरे को थोड़ा सा ध्यान से बताओ ठीक है ना कोई तो दिक्कत की बात थोड़ी है देख लो सो दिस इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिट होता है भैया उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है सिंपल है यार तो जस्ट सी दिस ये एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया अब इसको भी फील होता है कि मेरा ड्यूपलेट पूरा है ये भी कह सकता है देखो मेरा ड्यूपलेट पूरा है तो दे आर बेसिकली शेयरिंग है ना जब मान लो आपको एक पर्टिकुलर घर में रहना है पर उतना पैसा नहीं है रेंट देने का ठीक है और कहीं पी में रह रहे हो मान लो तो तुमको सिर्फ मान लो कि वहाँ पर वहाँ का रेंट है पांच तुम्हारे पास महीने के ढाई हजार ही आ रहे हैं तो भाई ठीक है सिंपल है उधर रहना है ना एक दोस्त और ले लिया शेयर कर लिया शेयरिंग कर लिया शेयरिंग इज़ और और हो गया यहां पर, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड अगर समझना है, तो कोई बात नहीं यार, डबल बॉन्ड भी समझ लेंगे, ऑक्सीजन जैसे अपना है, ऑक्सीजन के पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है छह इलेक्ट्रॉन है ना तो वन टू थ्री फोर और क्योंकि उसको देखो डबल सामने से दो चाहिए ना तो अपने दो इलेक्ट्रॉन उसको दाव पे लगाने पड़ेंगे कभी भी याद रखना दो एक मछली पकड़नी है तो एक काटा डालना पड़ेगा तो जैसे हाइड्रोजन ने अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो अपना उसने एक इलेक्ट्रॉन लगाया दाव पे तो सामने से एक आएगा ठीक है और वैसे इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको अपना दाव पे दो इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा सिंपल था यार है ना सो ना इसमें क्या होगा कि सामने से भी है ना सो दिस इज ना ऑक्सीजन इसमें वही होगा कि उसने उसको भी दो इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे बचा कितना टोटल टो छः थे दो यहाँ लगा दिए चार बचा ही, एक दो तीन चार है ना कमाल की बात तो यहाँ पर क्या हो गया दो इलेक्ट्रॉन आमने के हो गए और दो इलेक्ट्रॉन सामने के हो गए सो टोटल फोर इलेक्ट्रॉन पर असल में यहाँ पर कितना है टू पेयर ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं यहाँ पर जस्ट देख सकते हो सो दिस इज़ वन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं ठीक है तो दिस इज वन पेयर शेयर हुआ तो सिंगल बॉन्ड दो पेयर शेयर हुआ तो डबल बॉन्ड सो दिस विल बी शोन एज हाइड्रोजन डंडा हाइड्रोजन यहाँ पर दिस विल बी शोन डंडा सॉरी ऑक्सीजन डबल डंडा ऑक्सीजन ठीक है और नाइट्रोजन वाले में सर वैसे ही तो होगा है कि नहीं नाइट्रोजन में क्या है टू कोमा फाइव है, है ना? तो उसको तीन चाहिए तो तीन लगाओ दाव पे सो so, दो इलेक्ट्रॉन और पांच में से तीन इसे दाव पे लगाया भाई बचा कितना दो आराम से जी रहे हैं वो और सामने से भी जो नाइट्रोजन है उसकी जिंदगानी भी तो ऐसी होगी सो दिस इज टू इलेक्ट्रॉन और भाई साहब एक दो तीन इसके भी आ गए और बचा हुआ दो इलेक्ट्रॉन मौज कर रहा है और यहां पर देख सकते हो कि क्या कहानी है सर कहानी कुछ इस प्रकार है कि तीन इलेक्ट्रॉन हो गए आमने के और तीन इलेक्ट्रॉन हो गए सामने के एंड दिस इज हाउ थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेड एंड दिस इज हाउ द नाइट्रोजन डंडा डंडा डंडा, डंडा, डंडा नाइट्रोजन और ये ट्रिपल बॉन्ड है ठीक है सो so, अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ये कॉन्सेप्ट समझना चाहूं तो व्हाट आई कैन हाउ आई कैन अंडरस्टैंड इज़ मान लो कि एक कार्बन है या सपोज हियर एक कार्बन है कार्बन के को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वैसे देखा जाए तो देखो कार्बन के फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं टू कोमा फोर होता है ना दूसरे ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर इसको मेरे को हाइड्रोजन से अगर बॉन्डिंग दिखानी है तो हाउ आई कैन शो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है सो हियर वन हाइड्रोजन विल शेयर इट्स फोर इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन हियर अनदर हाइड्रोजन विल शेयर इट्स वन इलेक्ट्रॉन हियर अनदर हाइड्रोजन विल शेयर इट्स वन इलेक्ट्रॉन एंड हियर अनदर हाइड्रोजन विल शेयर इट्स वन इलेक्ट्रॉन बराबर ना तो ये क्या हो गया कार्बन डंडा 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 है ना सिंगल डंडा सिंगल तो कार्बन ने चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड से कोवल बॉन्ड से अपना सी एच फोर बनाया एंड वी एच फोर इज मीथेन गैस सर कमाल है यार हो जाए है नहीं। ठीक है कोई बात नहीं तो यहां पर मिथेन बन गया सही है और ऐसे ही अगर मान लो कि मेरे को आई आई वॉन्ट टू जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लो इसमें देख लो कि ये एक कार्बन है यानी तो सामने एक और कार्बन है तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और बाकी बाकी मान लो मेरे को सिर्फ हाइड्रोजन ही यूज करना है तो एक यहां शेयर हुआ अभी तीन बॉन्ड इसके और बचे हैं जो पूरे होने हैं तो यहां से एक सिंगल बॉन्ड हो गया यहां से एक सिंगल बॉन्ड हो गया यहां से एक सिंगल हो गया यहां से एक सिंगल हो गया यहाँ से सिंगल हो गया यहां से सिंगल हो गया और इधर मिंगल हो गए और ये हो गया सी टू एच कितना हो गया एक दो तीन चार पांच छ ये होता है इथेन मतलब मीथेन में सर अच्छा एक कार्बन वाले को मीथेन बोलते हैं हाँ दो कार्बन वाले को इथेन बोलते हैं हाँ तीन को प्रोपेन आगे देखोगे रुक जाओ सबर करो ठीक है और सर सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है हो सकता है यार क्यों नहीं हो सकता है होने को क्या नहीं हो सकता है तो मान लो कार्बन ने कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड किया दो इसका अलग है का दो सामने का तो कार्बन के दो दो बॉन्ड तो पूरे हो चार में से दो वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई दो बची हुई है तो दो बची है तो ठीक है एक वो हाइड्रोजन से कर लेगा दूसरा दूसरे हाइड्रोजन से कर लेगा और वो भी है सर दो कार्बन वाले को तो इथे नहीं बोलते सी फोर सी टू क्या एच फोर हो गया ना अरे यार गया टाटा बाय बाय हो गया कोई नहीं यार चलो सो so, हमने ये बनाया था

नोट भी करते जाओ सिर्फ, सिर्फ बैग से काम नहीं चलेगा ओके okay, तो ये हो गया जी मैंने तुमको कोअल का ना काफी हद तक अच्छा खासा आइडिया दे दिया ठीक है अभी ना इलेक्ट्रॉन डॉट वाली कंसेप्ट भी आएगा आगे तो वो देख लेना तब एलोट्रोप्स सर ये एलोट्रोप्स क्या होते हैं जैसे तुमने महाभारत रामायण के की चीजें काफी बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं तो उसमें तुमने सुना है कि भाई भगवान विष्णु के अवतार थे राम ठीक है और कृष्ण भी विष्णु के अवतार तो अलग अलग अवतार में आए हैं वैसे ही हमारे यहाँ पर कार्बन जो है वो भी अलग अलग अवतार में हमारे नेचर में प्रेजेंट है ठीक है सर ये इसका मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन तो वैसे एटम ही है ना ठीक है और हमने अभी भी देखा कैटिनेशन और वो सारी चीजें कि कार्बन एटम अपने ही जैसे एटम से जुड़ के अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग कर सकते हैं कार्बन से ही जुड़ गया तो नेचर में कार्बन अलग अलग तरीके से प्रेजेंट है कहीं पे वो कार्बन एक कार्बन चार मतलब चार अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है कहीं पे एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है डिफरेंट तरीके स्ट्रक्चर वहां पर अलग अलग फॉर्म्स उसके देखे जाएंगे फिजिकल फॉर्म्स देखे जाएंगे सो so, एक ही एलिमेंट्स के जब नेचर में अलग अलग रूप होते हैं जैसे फॉस्फोरस का रेड फॉस्फोरस होता है व्हाइट फॉस्फोरस होता है येलो फॉस्फोरस होता है तो वैसे ही कार्बन का भी नेचर में डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स दिखाई पड़ता है जैसे कार्बन ही है डायमंड भी डायमंड इज ऑल्सो कार्बन का अवतार कुछ, -कुछ अलग अटोमिक अरेंजमेंट्स है वो देखेंगे अपन ऐसे ग्रेफाइट जो पेंसिल का जो निब होता है ग्रेफाइट कार्बन का अवतार अवतार नहीं बोलेंगे यहाँ पर एलोट्रोप कहेंगे और वैसे ही और भी है फुल रीन है तो वो, वो ही अपने को देखना है सो बेसिकली वॉट आर एलोट्रोप्स पहले वो समझ लो ठीक है एलोट्रोप्स क्या होते हैं सर सो एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट ठीक है डिफरेंट physical forms of same element and why this happens this happens due to different atomic arrangements in them this happens due to different अटोमिक अरेंजमेंट्स इन देन ठीक है अलग अलग अटोमिक्स अरेंजमेंट की वजह से होता है और वो तुमको और क्लियरली समझ में आएगा जब कार्बन का एलोट्रोप देख रहे होंगे ठीक है अच्छा इनकी ना प्रॉपर्टी समझना जरूरी है कि मान लो कि मैंने कहा कि कार्बन का एलोट्रोप है एक है डायमंड ठीक है एक है आ, ग्रेफाइट एक है आ, आ, फुलरीन ठीक है सो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स अब ये समझना कि है तो केमिकली ये कार्बन ही ये इसमें भी केमिकली कार्बन ही है इसमें कार्बन ही है कुछ और नहीं सब कार्बन का ही अलग अलग अरेजमेंट्स है उनके अंदर एटॉमिक अरेजमेंट अलग अलग है सो नाउ ना कि जितने भी एलेक्ट्रोप्स होते हैं इनकी खूबी ये होती है कि इनका फिजिकल अपियरेंस अलग अलग है यानी दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ये याद रखना एलेक्ट्रोप्स की प्रॉपर्टी बता दी मैंने कि एलेक्ट्रोप्स में क्या होता है एलेक्ट्रोप्स हैव सेम केमिकल

तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है बट द केमिकल प्रॉपर्टी केमिकली वो कार्बन ही तो है तो रिएक्शन की बात आएगी कुछ कैसे करने की बात आएगी केमिकली वो कार्बन की प्रॉपर्टी शो करेगा ठीक है सो so, याद रखना कि एलोट्रोप्स जो है

तो ना इसकी ब्रिलियंस के बारे में तो भाई वो थोड़ा सा अलग हो जाता है वो उसके आ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा हुआ है और वो सारी चीजें ठीक है, है? आ, पर जो इसकी हार्डनेस है वो उसके बारे में आप समझ पाओगे तो इसका एटॉमिक अरेंजमेंट थोड़ा देख लो पहले डायमंड का एटॉमिक अरेंजमेंट में आप ये देख सकते हो कि हर कार्बन एटम ठीक है एवरी कार्बन एटम इज अटैच टू फोर कार्बन एटम्स अपने आजू में अपने बाजू में अपने ऊपर और अपने सामने यू कैन अंडरस्टैंड दिस तो कार्बन की वैलेंसी फोर है सर ठीक है और वो चार आइटम से जुड़ा भी है क्या कमाल की उसकी स्ट्रेंथ होगी इसलिए तो हार्ड है हार्ड रिजिड सॉलिड बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट एवरी कार्बन आइटम इज अटैच टू फोर कार्बन आइटम्स एंड गिव्स इट गिव्स द अरेंज स्ट्रेंथ एंड दैट हार्डनेस इसी वजह से कार्बन है, कार्बन इज सो हार्ड ठीक है सो so, कार्बन एग्जिस्ट एज थ्री डाय थ्री डी नेटवर्क समझना जरूरी है थ्री डी नेटवर्क देखो जैसे वहां पर दिख रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड द द डायमंड इज इज हार्ड एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस थ्री डी स्ट्रॉन्ग थ्री डी स्ट्रक्चर ठीक है कहां बताया मैंने कार्बन आइटम है इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड सामने एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड चार बॉन्ड पूरे हैं

तो दिस इज ग्रेफाइट भाई साहब ग्रेफाइट में दिस इज ऑल्सो कार्बन पर यहां पर आप देख सकते हो कि हर कार्बन एटम तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ एवरी कार्बन एटम इज अटैच टू थ्री कार्बन एटम पर अगर तुम ध्यान से देखो तो असल में क्या होता है कि वो जैसे मान लो ये ऐसे हुआ इधर तो ये इधर ये इधर पर सिल

हीट इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में काम आ जाता है नॉन मेटल है डालते थे तो वो वाइट वो अलग हो गया पर दैट इज आल्सो फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज होता है मशीन्स में फ्रिक्शन कम करने के लिए ग्रेफाइट यूज होता है काफी सारा पेपर पे जब हम पेंसिल से लिखते हैं काफी स्लिपरी होता है ना सो दिस इज व्हाई दिस इज सो स्लिपरी सो

होता है ठीक है जस्ट सी दिस ईच कार्बन आइटम इज बॉन्डेड विद अदर थ्री कार्बन आइटम इन ऑर्डर टू फॉर्मनल रिंग देख सकते हो यहां द फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना? चौथा बॉन्ड इज फ्री इन एवरी आइटम इट इज यूज एज ड्राई लुब्रिकेंट मशीनरी पार्ट एज वेल एज यूज एज लीड पेंसिल्स ठीक है एंड वाई दिस इज लेयर ऑन अनदर लेयर

उसको देखो बहुत लोग ये मानते हैं कि वो दैट फुलरीन की बात कर रहा हूँ मैं पर इट इज़ नॉट डिस्कवर्ड बाय फ्लू फुलर बकमिशर फुलर ने डिस्कवर नहीं किया बकमिशर फुलर वॉज एन आर्किटेक्ट और उस आर्किटेक्ट ने वैसा स्ट्रक्चर पहले वो फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर किया हुआ था तो उनके जैसा ही एटॉमिक अरेंजमेंट्स यहाँ पर कार्बन का पाया गया इन दैट नेक्स्ट फुलरीन की जो हम बात कर रहे हैं सो दिस इज फुलरीन आप देख सकते हो कैसा ये कार्बन एटम हाउ इट इज अटैच टू अदर कार्बन एटम्स है ना और ये पूरा का पूरा फुटबॉल एक बक्की बॉल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है एंड दिस इज जस्ट डिसम्बलिंग एज स्ट्रक्चर दैट इज डेवलप्ड बाय बाय या जिसका, जिस आर्किटेक्ट का ये काम है उनका नाम है बकमिंस्टर फुलर और उन्हीं के याद में क्योंकि वैसा ही स्ट्रक्चर है उनके याद में फुलरीन नाम दिया गया इस एलोट्रोप ऑफ कार्बन को ठीक है तो हियर यू कैन इसका सबसे बेसिक ऐसा नहीं कि सिर्फ C60 एक एग्जांपल है इसका वन एग्जांपल इज C60 C80 भी है C120 C1, भी है सो so दिस C60 इज जस्ट लाइक अ फुटबॉल का आप स्ट्रक्चर समझ सकते हो तो इसके हर कॉर्नर पे मान लो ये ऐसे कार्बन है ओके okay? दिखने में ऐसा दिखेगा नहीं है दिस इज एटॉमिक अरेंजमेंट तुमको वो ग्रेफाइट की तरह कोल की तरह काइंड kind ऑफ of दिखेगा पर एटॉमिक अरेंजमेंट ऐसा है और इसमें जैसे ये C60 वाले में आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है कि देखो यहां पर पेंटागॉन है और पेंटागोन के आसपास में से तो आप देख सकते हो कि पेंटागोन के पांचों साइड में हेक्सोगन का स्ट्रक्चर है तो वन पेंटागॉन उसके एडजस्टन में सिक्स सिक्सोग सॉरी फाइव हेक्गॉन्स और ऐसे आप देखोगे तो टोटल एक सी सिक्सटी में बारह पेंटागॉन्स और बीस हेक्गोन होते हैं ठीक है फुटबॉल का स्ट्रक्चर अगर देखिए उसमें काउंट करके बता सकते हो कितने होते हैं वैसे ठीक है सो दिस इज इट और इसके जो यूजर्स है अपलिकेशन है जैसे जस, जैसे मैंने बताया कि रिसेंट है उतना तुमको देखना भी नहीं तुमको ये याद रखना इट इज अल ओ केज विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पीय ठीक है इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द दिंस्टर फुलर आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर ठीक है इसके लिए इसको बकी बकी बॉल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या फिर इसको आ, आ, फुल रिंग भी कहा जाता है बट अलोंग अलॉन्ग विद्जनल रिंग समटाइम्स पेंटागोनल और हेप्टागोनल रिंग्स आर ऑल्सो देर ठीक है तो जैसे मैंने बताया कि इसके अलावा सी सिक्सटी के अलावा सी एटी सी वन ट्वेंटी तो वहां पर पेंटागोन uh, के साथ में हेक्जोग जैसे यहां पर है वैसे कहीं पे हेप्टागोन और कहीं पे कुछ और स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल होते हैं ठीक है थीके? अब यहां पर बात करते हैं कार्बन कंपाउंड के टाइप्स की ओके तो आ, कार्बन कंपाउंड का टाइप्स अगर मैं कह रहा हूं सर तो यहां पर अभी तो आपने बताया हाँ ठीक है तो कौन से कौन से टाइप यहां पर देखना अभी मैं आपको पहले डेफिनेशन दिखा दू सो कार्बन कंपाउंड सर कार्बन कंपाउंड क्या होता है कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन है हाँ भाई सिंपल है अरे यार कार्बन डाइऑक्साइड सी एच फोर डी सी सिक्स

कोई और एलिमेंट हो फर्क नहीं पड़ता पर कार्बन कंपलसरी होना चाहिए कार्बन सिंपल था सर और देखो अगला है ऑर्गेनिक कंपाउंड अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या लिख रहा हूं मैं कार्बन सी एच फोर सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स सी एच थ्री सीओ ओ एच सी टू एच फाइव ओ एच सी टू एच टू सी टू एच फोर तो आप देखो यहां पर मैंने सिर्फ कौन सा नहीं लिखा ये लिखा ये लिखा ठीक है क्यों लिखा सर वो इनऑर्गेनिक है क्या हां वो इनऑर्गेनिक है ठीक है ऑर्गेनिक का डेफिनेशन क्या है मतलब देखो वैसे ना उसमें कुछ ऑर्गेनिक मतलब याद रखो ऑर्गेनिक कंटेनिंग का मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन भाई कार्बन भी होना चाहिए हाइड्रोजन भी होना चाहिए कुछ और एलिमेंट रहेगा चलेगा पर कार्बन भी और हाइड्रोजन भी आर और ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है सर अभी के लिए काफी है ठीक है

एग्जाम्पल लिखूं सी एच फोर सी टू एच फोर एच सिक्स सी टू एच फोर सी टू एच टू सो कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है लेकिन कोई और एलिमेंट नहीं है कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली ये बड़ा जरूरी है समझना नहीं तो दिक्कत कर दोगे दिस इज नॉट हाइड्रोकार्बन दिस इज नॉट हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन आ गया दिस इज नॉट हाइड्रोकार्बन मतलब क्या सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसेट है ये यस कार्बन कंपाउंड में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन होते हैं सो so आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लो ये पूरा कार्बन कंपाउंड का एक बड़ा सेट है कार्बन कंपाउंड इसका एक थोड़ा सा हिस्सा जो होगा कार्बन कंपाउंड का एक सबसेट होगा विच विल बी ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक सबसेट है जो क्या है जो हाइड्रोकार्बन है तो आप लिप बना सकते हो जैसे एग्जाम्पल वाले वाले लो सी एच फोर सी टू एच सिक्स ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं क्या लिख दू सी सिक्स एच ओ सिक्स सी एच थ्री सी ओ ओ एच फिर और बाहर आता हूं कार्बन कंपाउंड में सीओ टू कार्बन डाइसल्फाइड एंड सो तो आप ये कह सकते हो कि सर इसमें जितने भी नाम लिखे दे आर ऑल कार्बन कंपाउंड यस ये सब इसी कार्बन कंपाउंड के सेट के अंदर आ रहे हैं पर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ये सर्कल वाले हैं और हाइड्रोकार्बन ये सर्कल ये मैं थोड़ा सा अपना ज्ञान बता रहा हूं यार ठीक है समझ में आ गया सर ज्यादा नहीं करते उसमें ओके okay. अपने को ज्यादा काम इसमें भी क्या है ना अपने को उठाना है हाइड्रोकार्बन उसको पढ़ना है बस सिंपल Make it simple, पूरा ऑर्गेनिक नहीं पढ़ना हाइड्रोकार्बन पढ़ना है थोड़ा बहुत लेंगे उसी में, थोड़ा करके, पर हाइड्रोकार्बन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हूँ ठीक है तो आइए शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन की जर्नी और हाइड्रोकार्बन में ऐसा थोड़ा पानी पी लें आप भी पी लो यार पानी पीना जरूरी काम है बड़ा ला 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 ला। जीवन में अगर पानी नहीं पी पाए तो क्या पी पाए पानी पीना इज वेरी वेरी जरूरी अदरवाइज चक्कर आएंगे शांति से जहां पानी बैठ के पीना चाहिए यार शांति से <coughs> बाकी तब तक आप कमेंट करके बताना है कि ये कितने बच्चे हैं जिन्होंने दूसरी सीरीज में से चैप्टर को पढ़ लिया है चाहे आपने टारगेट 95 प्लस से पढ़ा हो चाहे आपने दबंग से पढ़ा हो चाहे आपने सटीक सीरीज से पढ़ा हो या फिर सुपर रिविजन से पढ़ा हो या किसी और चैनल से पढ़ा हो आपने पढ़ा है एंड यू नो दिस वेरी वेल पता ना <coughs> वाह गुड पानी पीना इज वेरी गुड ओके सो हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन करते हैं अपन ओके हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन मतलब क्या करेंगे सर यहां पर अपन ये करेंगे वो नहीं करेंगे पहले मैं ये बता दूं कि हाइड्रोकार्बन मतलब ये तो पता ना कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ओनली तो इसको ना देखो मैं अब जो जिस तरीके से क्लासिफाई करने वाला हूँ ना दैट क्लासिफिकेशन विल बी मतलब वो क्लासिफिकेशन तुम्हारे टेंथ के कंटेक्स में यूजफुल है उसी के हिसाब से मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ नॉट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है सो so, इसमें ना दो टाइप के हो सकते हैं एक तो है जिनको मैं एलिफैटिक या मैं ना एलिफैटिक वर्ड बाद में डालता हूँ चलो so, ठीक है लिख देते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या फिर ऐसे लिखता हूं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन ठीक है यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज ए साइक्लिक ठीक है सो ए साइक्लिक इज नॉन साइक्लिक जो क्लोज चेन नहीं होंगे तो ऑब्वियसली अगर ये ए साइक्लिक है तो यहां पर क्या आ जाएगा साइक्लिक ठीक है साइक्लिक वाले में भी दो कैटेगरी जो अपने को पढ़नी है क्योंकि और टाइप्स और वेराइटीज हो सकते हैं टेंथ के हिसाब से बता रहा हूं मैं तो पहले एलिफैटिक में भी अच्छा मैं इसको ऐसे लिखता हूं एलिफैटिक के मैं लिखता हूं डायरेक्टली तीन टाइप्स अल्केन दूसरा हो गया अल्कीन और तीसरा हो गया अल्काइन तो क्या नाम है ये अल्केन अल्कीन अलकाइन तो अगर हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड की पूरी कहानी है अगर कहानी पूरी की पूरी सिंगल बॉन्ड की है तो अल्केन कहा जाता है अगर कहानी में डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड की कहानी आ गई ठीक है ना कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया सिंगल बॉन्ड है पूरी तरीके से अल्केन है अगर डबल बॉन्ड आ गया तो अल्कीन कहा जाएगा और अल्काइन आइन का मतलब क्या है कि जहां भी अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो दैट विल बी कहानी ऑफ अल्काइन ठीक है एग्जाम्पल देंगे आगे हम उसको अच्छे से विस्तार में कर रहे होंगे ठीक है तो वहां पे हम समझेंगे अभी फिलहाल अलकेन को अच्छा ठीक है इसको मैं एक से बात बताता हूं तो अलकेन अल्किन ये ओपन चेन में आ गया खुले खुले चेन में ठीक है साइक्लिक वाले में एक कैटेगरी होती है एरोमैटिक देखो एरोमा खुशबू से जुड़ा हुआ है पेट्रोल डीजल पेट्रोल केरोसिन की, की क्या खुशबू आती है वाह फिनाइल की क्या खुशबू आती है वाह वो उसके केमिकल की कुछ वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ना आपको एक एक बढ़िया एग्जांपल है जो आपको एक ही एग्जांपल पढ़ना है इसमें और कुछ पढ़ना ही नहीं है वो याद रखो बेंजीन बेंजीन का फॉर्मूला है C6, और स्ट्रक्चर पता है कैसा है आप ना ऐसे हेक्सागोन बना लो आप कार्बन का और आप पहले एक एक बॉन्ड से जोड़ लो पहले उनको ठीक है और फिर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाओ मतलब यहां पे लगा दिया मान लो तो इसको, इसको हाइड्रोजन कार्बन का तीन डंडा बॉन्ड चाहिए हो गया यहाँ पर भी तीन पूरा है चौथा चाहिए ना है ना राइट सी सिक्स एट सिक्सन बस एक्साम्पल याद रखना है कुछ नहीं पढ़ना है इसमें कुछ और याद नहीं रखना है ठीक है सो दैट इज योर एरोमेटिक कहानी इसकी तो खत्म जो इसको हम पढ़ेंगे मेरी आगे हम इस यहां पे जो बताऊंगा वो पढ़ रहे होंगे ठीक है और दूसरी कैटेगरी है एक्चुअली साइक्लो अल्केन भी देखो ये जो मैं पढ़ा ना साइक्लो अल्केन हो गया हो हो गया हो गया तो इन सबका रिंग स्ट्रक्चर बन सकता है ना क्लोज स्ट्रक्चर साइक्लिक वाला तो साइक्लो अल्केन साइक्लो अल्कीन साइक्लो अलकाइन बन सकता है पर हमको दसवीं में सिर्फ क्या पढ़ना है साइक्लो अल्केन ठीक है साइक्लो अल्केन का मतलब अल्केन का मतलब क्या है सर सीधी सीधी बात है अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड और साइक्लो मतलब रिंग स्ट्रक्चर यानी साइक्लिक फॉर्म में तो वो हम एग्जांपल आगे देख रहे होंगे ठीक है जैसे अभी एक एग्जांपल बताता हूं जैसे कि आप ये देख सकते हो तीन कार्बन सब में सिंगल बॉन्ड है और सब एक पूरा ऐसा रिंक्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है हर कार्बन में दो डंडे पूरे हैं दो डंडे और चाहिए हाइड्रोजन लगा दिया यहां भी हाइड्रोजन लगा दिया यहां भी हाइड्रोजन लगा दिया तीन कार्बन है और टोटल छह हाइड्रोजन है इसको दिस इज कॉल्ड साइक्लो प्रोपिन नाम कैसे बता रहे हो सर आगे आ जाएगा तुमको ठीक है तो ये देख लो नाम ऐसे आ गया जब एक कार्बन होगा ठीक है वेन इट इज वन कार्बन तो हम क्या प्रिफिक्स लगाते हैं नाम में मिथ और ये आई की शुरुआत हो गई है आई यूपीएससीज इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया के समझो पूरी दुनिया की के केमिस्ट्री का ठेका लिया है इन्होंने चाहे नामकरण करना हो या कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशन बनाने हो केमिस्ट्री के तो ये इन्होंने ठेका लिया हुआ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आई ठीक है और हम क्योंकि इतने केमिकल्स हैं खास करिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि इनको इनका कॉमन नेम याद करना यार मुश्किल है इनफेनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स कॉमन नेम कितना याद रखेंगे अपन तो रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू नाम याद रखा जा सकता है तो आई रूल्स हम यहाँ पर देख रहे होंगे जिससे कि हम आसानी से नाम बना सकते हो कैसे नाम बनाते हो देखेंगे अपन आई पी नाम ले फिलहाल एक कार्बन अगर है तो प्रिफिक्स लगेगा मिथ अगर दो कार्बन है तो प्रिफिक्स लगेगा इथ कार्बन है तो प्रिफिक्स लगेगा प्रोप चार कार्बन है तो प्रिफिक्स लगेगा ब्यूट पांच कार्बन है तो प्रिफिक्स लगेगा पेंट कार्बन है तो प्रिफिक्स लगेगा कार्बन 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 है 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 तो 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 लगेगा 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 हेप्ट ऑक्ट नॉन दस कार्बन है तो प्रिफिक्स लगेगा डेक ग्यारह कार्बन है तो लगेगा अनडेक ट्वेल्व कार्बन तो डोडेक फिर एंड सो ऑन इतना पढ़ना भी नहीं दसवीं में इतना काफी है दस दस तक भी बहुत काफी है सो अब देखो मैंने क्या कैसे बोला यहां कितना कार्बन था तीन कार्बन था तो मैंने क्या बोला प्रोप तीन कार्बन प्रोप इसके लिए प्रोपेन आया साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो कितना प्यारा नाम है इसका रिंग में है इसलिए साइक्लो सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसके लिए एन और तीन कार्बन है इसलिए प्रोप तो रिंग में है इसलिए साइक्लो तीन कार्बन इसलिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन साइक्लोप्रोपेन सब ब्रेक करके नाम बनाया है। नोट करो हा मैंने तो कचरा करते जाऊंगा पूरा इसको हटा दूंगे राइट ये याद कर लो मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेग्स नॉन डेक वाह ठीक है तो वो याद हो गया तो फिर तुम्हारा कहानी आसान हो जाएगा यार तो मतलब ऐसे बनेगा अल्किन में पहला बना दो तो मीथेन मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉन डोडेकेन ऐसा ठीक है अगर अल्किन वाला कैटेगरी में अल्किन में मिथ नहीं होता है वो भी आगे आ जाएगा क्यों हो, नहीं होता है पता लग जाएगा टेंशन मतलब तो दूसरे शुरू होता है इथिन इत, प्रोपीन ब्यूटीन मतलब डबल बॉन्ड वाला कहानी है तो इथिन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेगजीन हेप्टीन, ऑक्टीन नॉनिन ऐसे आइन का आएगा तो इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन है ना ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ठीक है तो वो चीज अच्छे से रिकॉल कर लो अच्छा जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है मतलब यू कैन से कि भाई अल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं अल्कीन और अल्काइन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं क्यों सर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है कौन से सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन हैं नाइन्थ में तुमने सुना होगा सो ऑल दो सोल्यूशन इन विच मतलब समझो नमक का पानी बनाया तुमने इतने नमक मिला दिया कि अब उसमें और नमक मिक्स नहीं हो सकता ठीक है सो so, टे सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड ऑलरेडी जितना उसमें जगह था उसमें उतना सोल्यूट मिक्स हो चुका है और मिक्स करना हीट करना पड़ेगा पूरी जगह फेल हो चुकी है यहां पर भी क्यों अलकेन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जस्ट सी दिस जैसे मान लो ये मैंने This is, दो कार्बन वाला अल्केन तो क्या बोलेंगे इसको इथेन बराबर ना तो ये इथेन है और जबकि अगर दो कार्बन वाला मैंने अगर अल्किन बनाया है ना डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या हो गया इथेन और अगर ऐसे तीन कार्बन वाला बना दिया तो हो गया इथाइन राइट अब तुम मैं ये कह रहा हूं कि अल्कीन सैचुरेटेड है और अल्किन और अल्काइन जो है अनसेड वाई बिकॉज चुरेटेड इन टर्म्स ऑफ वॉट हाइड्रोजन तुम यहां पर ना एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं मिला पाओगे यू के नॉट एट दैट एक्स्ट्रा हाइड्रोजन क्यों सर क्यों नहीं मिला पाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मिलाने की कोई स्कोप ही नहीं है कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं है जहां पर वो हाइड्रोजन आगे बच सके जगह ही नहीं है भर चुका है पूरा जगह ऑलरेडी मैक्सिमम हाइड्रोजन है ठीक है वेराज वेन देर इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो भाई एक्स्ट्रा बॉन्ड को तोड़ जा सकते हैं ना यही समझो दो बॉन्ड है एक तोड़ दिया यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दिया यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दिया इधर तो भाई इधर एक हाइड्रोजन लग जाएगा है ना ऊपर का भी टूट सकता है यहाँ का भी एक और मतलब यहाँ पे दो बॉन्ड्स टूट सकते हैं और चार हाइड्रोजन लग सकते हैं सो इज स्कोप सिंस यू हैव डबल डबल और और ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड जहां आ गया वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बिकॉज देर देर इज अ स्कोप टू एड हाइड्रोजन मोर हाइड्रोजन आइटम्स अलकेन है सिंगल बॉन्ड है सिर्फ नो हाइड्रोजन नो मोर हाइड्रोजन कैन बी एडेड सो इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये बात समझ में आ गई अच्छा जो ऑयल होता है ना ऑयल जो ऑयल और फैट होता है ना एक समझो तेल है और एक डालडा है तो तेल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है डालडा सॉलिड फॉर्म में होता है क्यों पता है तेल जो है ऑयल इट इज अनसेड हाइड्रोकार्बन उसमें ज्यादा हाइड्रोजन भरा नहीं है अगर हाइड्रोजन ठूस दिया ना तो वो घी की तरह दिखने लगेगा वो डालडा बन जाता है सॉलिड फॉर्म में आता बिकॉज हाइड्रोजन उसमें जो एक्स्ट्रा बॉन्ड था डबल और ट्रिपल उसको ऑयल का उसको ब्रेक करके उसको फैट में बदला गया ठीक है तो वैसा करते हैं ऑयल टू फैट कन्वर्जन होता है तेल को डालडा में कन्वर्ट किया जा सकता है हालांकि दैट इज नॉट गुड टू योर हेल्थ बिकॉज पता है ना नसों में भर जाएगा तो तो भी क्यों करते कन्वर्ट टू स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ठीक है दैट इज अनदर स्टोरी आगे देखेंगे पर ये समझ लो कि ये साइकिल भाई हाइड्रोकार्बन में ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन ठीक है ओपन चेन को ए क्लोज चेन या फिर मैं क्या बोल रहा हूं रिंग तो रिंग वाले में साइक्लोअकेन और एरोमेटिक एरोमेटिक में सिर्फ बेंजीन नाम याद रखना साइक्लोअन का आगे देखेंगे ठीक है एलिफेटिक वाले में ओपन चेन वाले में अल्किन अल्केन अल्किन अलकाइन अल्किन मतलब सिंगल बॉन्ड अल्किन मतलब डबल बॉन्ड अलकाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड अल्केन इज सैचुरेटेड अल्किन अलकाइन जो है वो अनसेचुरेटेड है ठीक है अभी इसको विस्तार में देखते हैं अपन ये वाला चीज भी उसको आगे पढ़ना नहीं है उतना ही पढ़ना है बाकी एक दो तीन पढ़ते हैं फिर उसके बाद ये भी पढ़ लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है सो यू हैव दिस कहानी आ गई सर बना लें ट्राई करें ट्राई करो जैसे पांच तक बना लेते काम हो जाएगा वैसे तुमको आ जाएगा दस तक भी कर सकते हो फिर उसके बाद पेंट नाम लिख देते हैं। तो सर ये नाम यहां पे हो जाएगा अल्किन है ना तो ये सफिक्स हो गया और ये प्रिफिक्स हो गया सफिक्स क्या लगेगा नाउ यू नो दिस एन इन आइन तो सर इसका नाम पड़ेगा पेंटेन बिल्कुल सही इसका नाम पड़ेगा पेंटीन बिल्कुल सही इसका नाम पड़ेगा pentane, पेंटाइन एब्सोल्युटली राइट ठीक है इसका नाम पड़ेगा ब्यूटेन इसका नाम पड़ेगा ब्यूट इन इसका नाम पड़ेगा ब्यूट आइन यहां पर नाम पड़ेगा प्रोप एन दिस इज प्रोप इन दिस विल बी प्रोप आइन दिस विल बी है ना ये हो गया इथेन और ये हो गया इथाइन नाम याद रखना बहुत आसान है ठीक है और वैसे ही ऊपर मीथेन मीथेन अच्छा मीथिन मीथेन नहीं होता है वो मैं आगे बता दूंगा वरी तो मैं यहां पर मीथेन लिख देता हूँ पहले ठीक है इधर ये नहीं होता ये नहीं होता क्यों नहीं होता वो देख लेंगे पहले आप यहां से स्टार्ट करता सो पेंट so, का मतलब देखो नाम से ही फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा पेंट का मतलब फाइव कार्बन एन का मतलब सिंगल बॉन्ड मतलब आप क्या करो पांच कार्बन एक दो तीन चार पांच और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड सही है ऐसे बनाते जाओ पेंट मतलब फाइव कार्बन इन मतलब डबल बॉन्ड तो एक दो तीन चार पांच सब में डबल नहीं बनाना या तो पहले या तो आखिरी में आप नियम बना लो पहले बनाओगे तो पहले में डबल बाकी सब में सिंगल पेंट मतलब देखो डबल बॉन्ड आ गया इसलिए आ गया पेंट मतलब कार्बन आइन मतलब triple bond. तो मतलब one, two, three, four, five, पहले वाले में में बाकी सब सिंगल ठीक है सर हाइड्रोजन नहीं दिखाओगे दिखाएंगे ना यही सीख लो पहले ठीक है ब्यूट का मतलब फोर कार्बन एन मतलब सिंगल बॉन्ड सो वन टू थ्री फोर सिंगल ब्यूट का मतलब फोर कार्बन इन मतलब डबल बॉन्ड वन टू थ्री फोर और उसमें क्या है पहले वाले में डबल बाकी सब में सिंगल ब्यूट का मतलब फोर कार्बन आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड तो पहले वाले में मतलब एक दो तीन चार पहले वाले में ट्रिपल बॉन्ड बाकी सब में सिंगल बॉन्ड ठीक है सर दिखा ना हाइड्रोजन कैसे होगा बस तो अभी अभी आप समझ लो कि हाइड्रोजन का क्या कहानी है सो so, हेयर याद रखो हर कार्बन के चार डंडे होने चाहिए उससे जुड़े हुए इस कार्बन का एक ही डंडा दिख रहा है बाकी जो तीन होंगे वो मोनोवैलेंट हाइड्रोजन से एक एक शेयर हुआ हो इस कार्बन का एक इधर एक इधर दो डंडे पूरे मतलब दो ही चाहिए सो दिस यहां पर भी दो ही चाहिए यहां पर भी दो एच और यहां पर फिर से देखो एक ही है तो तीन चाहिए होगा सो हियर डबल बॉन्ड इज ऑलरेडी डन तो दो और चाहिए हाइड्रोजन से दिखा दिया इसके पास तीन बॉन्ड हो चुके एक दो और ये तीन तीन बॉन्ड हो गए, मतलब खाली एक ही चाहिए ऊपर या नीचे कहीं भी दिखाओ इसका दो हो चुका है दो और डंडा चाहिए दो हो चुका है दो और डंडा चाहिए इसका एक हो चुका है तीन चाहिए ताकि चार टोटल हो सके सेम यहां पर देखो अभी ध्यान से देखना ट्रिपल बॉन्ड हो गया है भाई इसका एक ही डंडा चाहिए इसका ऑलरेडी चार बॉन्ड हो गया तीन इधर एक इधर ऑलरेडी चार बॉन्ड हो गया इसमें कुछ आइसमन डालना इसका दो बॉन्ड हो चुका है दो और चाहिए इसका दो हो चुका है दो और चाहिए और इसका एक हो चुका है यानी कि तीन और चाहिए यू कैन ऑल्सो राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला काउंट करके तुम लिख सकते हो वैसे मैं पहले इसका यहां पर भी हाइड्रोजन बना लू ठीक है देखो अल्किन में तो इतना ध्यान नहीं देना पड़ता पर आप अल्किन में ध्यान दिया करो आप इधर दो डंडा हो गया दो और चाहिए इधर तीन हो चुका है इधर गलती से ऊपर नीचे मत बना देना एक ही चाहिए और दोनों जगह बना दिया गलत दिस, दिस 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 देखो तीन हो चुका है एक और इसका एक दो तीन चार चार हो चुका है इसका ऊपर और नीचे और इसका अगेन अब प्रोपेन तुम बनाओ इत, इत वाला मैं बनाता हूं इथ मतलब दो कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना इथ इन मतलब दो कार्बन और इसमें डबल बॉन्ड मतलब इसी में दिखाओगे और कहीं दिखाओगे इथ आइन दो कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड सही है अब बाकी बचा हुआ हाइड्रोजन से तो वन टू थ्री इसका भी एक हो चुका है वन टू थ्री इथेन हो गया यहां पर देखो दो दो बॉन्ड्स की जरूरत है यहां पर तीन इधर है तो एक बचा है ठीक है तो ये तो इथेन ही सीन है अब यहां पर देखो मिथ वाले जहां एक ही कार्बन है एक ही कार्बन है तो भैया तो सिंपल है कि बचा हुआ जो भी है वो सब हाइड्रोजन से कहानी लिखी जाएगी पर दो मतलब तो यहां पर एक कार्बन में तुम डबल बॉन्ड कहां दिखाओगे हाइड्रोजन दिखा so, so, के बीच में तो ये कर नहीं सकते हैं. इसलिए ये कहानी फेल हो गई और ऐसे ही यहां पर भी कार्बन और हाइड्रोजन में जब डबल नहीं दिखा सकते तो हाइड्रोजन को तुम कहां ट्रिपल दिखाने के चक्कर में पड़े हो भैया इसलिए Meth, in, not possible structure. Meth, not possible structure. So, sir, what is which is the first member of alkane family? Methane is the first member of alkane family. Whereas, which is the first member of alkene family? Remember, ethene is the first member of alkene family, and the first member of alkyne family is ethyne. नॉट द इमेज स्ट्रक्चर तो सर अल्किन का दूसरा मेंबर कौन है प्रोपीन सर अल्किन का तीसरा मेंबर कौन है ब्यूटीन अल्किन का चौथा मेंबर कौन है नाउ यू नो दैट ठीक है अभी मोलिकुलर फॉर्मुला लिखते हैं यार मजा आ रहा है मोलिकुलर फॉर्मुला लिखते हैं तो यहां पर चार कार्बन और ऊपर तीन हाइड्रोजन मैं उल्टा करता हूं जैसे हमने यहां पर किया था सो वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन तो मैं लिखूंगा सी फाइव और फिर पांच पांच दस ग्यारह बारह बारह हाइड्रोजन यहां पे एक दो तीन चार सी फाइव और एच कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एच टेन यहां पर देखो सी फाइव और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एच एट ठीक है आप ऐसे ही सबका करते जाओगे C4 H10 C4 H8 C4 फोर नहीं कितना हो गया H6 और सी एच फोर इसका क्या हो गया सी टू एच सिक्स इसका हो गया सी टू एच फोर इसका हो गया सी टू एच टू मतलब ये इतनी आसानी से आप लिख सकते हो काउंट किए बिना भी, भी कैसे सर तो इसका जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए अल्केन का जनरल फॉर्मूला जिससे कि ये फॉर्मूला तो तुम आसानी से मरला मतलब फॉर्मूला लिख सकते हो इज सी एन एच टू एन प्लस टू का जनरल फॉर्मूला नॉट गर्लफ्रेंड जनरल फॉर्मूला इज सी एन एच टू एन अल्काइन का जनरल फॉर्मूला इज सी एन एच टू एन माइनस टू कैसे काम करता है जरा बताइए विस्तार से अब जैसे मान लो कि तुम इसकी एग्जाम्पल ले रहे हो इसका सी फोर एच टेन कैसे आया तो जस्ट हम इसी का नाम अब ये वाले रूल से देते सी एन एच टू एन प्लस टू है बराबर ना सी एन एन की वैल्यू कितनी है इसके इसमें एन की वैल्यू है फोर चार कार्बन है ना तो एन इज इक्वल टू फोर है तो क्या हो जाएगा सी फोर एच टू इन एन प्लस टू मतलब टू फोर एट प्लस टू टेन सी फोर एच टेन इसका क्या है सी एन एच टू एन मतलब जैसे को यहां पे क्या था हाइड्रोजन टू एन प्लस टू था हाइड्रोजन यहां पर प्लस टू हटा दिया मतलब इसके मुकाबले दो हाइड्रोजन कम हो गया तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एच टेन अगर था है ना अगर था दो हाइड्रोजन कम कर दो सी फोर एच एट लिख दो या फिर तुमको अगर वो हिसाब से समझना है व्हाट सी एन एच टू एन एन की वैल्यू कितनी है फोर है तो सी फोर हो गया एच टू फोर एट हो गया और सी एन एच टू एन प्लस टू सी एन एच टू एन फिर सी एन एच टू एन में से और दो माइनस कर दो तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी एन एच टू एन माइनस टू है एन की वैल्यू फोर है तो सी फोर एच टू फोर सा एट एट माइनस टू इज सिक्स तो एच सिक्स देखते जाओ सो दैट इज जनरल फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बस ये याद रखो अल्कीन में जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन तो अगर कार्बन अगर छः है तो C6 H12, C8 H16, C10 H20 और बस वो डबल का जो भी काउंट करोगे उसमें से अगर अल्केन बनाना है तो उसमें से दो प्लस कर दो उसमें हाइड्रोजन में दो और हाइड्रोजन प्लस कर दो और जब अल्काइन बनाना है तो दो माइनस कर दो तो मेरे को अगर दिमाग में सेट है कि भाई अगर मेरे को हेक्स वाला स्ट्रक्चर है तो हेग्जेन इज हेग्जीन याद रखो सी सिक्स एच ट्वेल्व तो हेक्सेन भी याद हो जाएगा सी सिक्स एच फोर्टीन टू और सी सिक्स एच टेन क्योंकि माइनस टू करना है सो दैट सिंपल ठीक है सी एन एच टू एन याद रखो यहां प्लस टू करना है यहां माइनस टू करना है ओके तो ये मॉलिकुलर फॉर्मूला से याद हो गया जनरल फॉर्मूला याद रखने से सो so ये मैंने पांच तक किया यू कैन डू अ हेड एटलीस्ट टेन तक का कहानी सिस्टम दिमाग में होना चाहिए सेट ठीक है तो ये हो गया अपना हाइड्रोकार्बन को हमने बेसिक नेमिंग करना हमने सीख लिया अब यहां पर सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड कहानी भी मैं तुमको बता दी ठीक है ये वाली चीज में तुमको ऑलरेडी बता दी है ये तो अब नाउ वी हैव डन दिस ऑलरेडी ना मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन नंबर ऑफ कार्बन ये ऑलरेडी अपने देख लिया साइक्लोअके साइक्लो अलके मैंने बताया था साइक्लो अल्के मतलब रिंग रिंग और एंड सिंगल बॉन्ड से पूरी कहानी रची जाती है ठीक है इसका फर्स्ट मेंबर क्या सर मिथेन बन सकता है अरे एक कार्बन में रिंग किधर बनाने जाएगा भाई और दो कार्बन में भी थोड़ी रिंग बन सकता है रिंग के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए एटलीस्ट थ्री कार्बन सो द फर्स्ट मेंबर इज वेरी ऑब्वियसली फर्स्ट मेंबर इज योर साइक्लो प्रोपेन जिसमें तीन कार्बन और सब में सिंगल बॉन्ड साइक्लो प्रोपेन ठीक है सेकेंड मेंबर चार कार्बन वाला है ना तीन के बाद तो अब हो ही जाएगा सो सेकेंड बी साइक्लो ब्यूटेन है ना चार कार्बन वाला स्ट्रक्चर रिंग फिर उसके बाद तो तुम बना ही लो साइक्लो पेंटेन जिसमें ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा नेक्स्ट इज साइक्लो एक्न सो दिस इज योर हेक्सागोन में बना लिया ना हमने साइक्लो अच्छा सर हाइड्रोजन तो दिखाया नहीं हाइड्रोजन दिखाओ ना हर कार्बन में दो दो बॉन्ड्स हुए हैं मतलब हर कार्बन में दो दो हाइड्रोजन की जरूरत है है ना तो ऐसे दिखाओ या फिर ऐसे H2 लिख दो एवरी कार्बन विल हैव दो दो बॉन्ड्स हुए ना एवरी कार्बन विल हैव टू टू हाइड्रोजन जस्ट एज दिस अब तुमको साइक्लोहेक्सेन को देख के बेंजीन से कंफ्यूज हो सकते हो पर याद रखना बेंजीन में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड थे इसलिए हर कार्बन में एक हाइड्रोजन था यहां पर दिस इज साइक्लो साइक्लोअल सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए हर कार्बन में हर कार्बन दो दो हाइड्रोजन है सो बेंजीन बेंजीन वॉल बॉज सी सिक्स एच सिक्स दिस इज सी सिक्स एच ट सर इसका जनरल फॉर्मूला यार कमाल है इसका जनरल फॉर्मूला देखने से तो यह लग रहा है कि सी एन एच टू एन है सो द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो साइक्लो अल्केन इज सेम एज अल्कीन, चेक ना सी सिक्स एच सी थ्री एच सिक्स सी फोर एच एट एंड सो ऑन ठीक है सो so, साइक्लोअलकेन का मतलब अल्केन इन साइक्लिक फॉर्म ठीक है सिंगल बॉन्ड दे आर Cyclic hydrocarbons, cyclic hydrocarbon with complete single bond between. कार्बन कार्बन आटम हर कार्बन दिस ठीक है तो तो ये हो गया अपना तो हमने ना हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन पल्के बेसिक पर लिया बेसिक क्या बढ़िया से पढ़ लिया जो अपने को दसवीं के हिसाब से है भाई अब हमने को बात करनी है फंक्शनल ग्रुप की नाउ व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप सर क्या ये नया कहानी कहां से गया सर फंक्शनल ग्रुप देख लेते ओके सो <laughs> okay. so, अब तक मैंने तुमको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं है ना अब मान लो मेरे को इसमें से हाइड्रोजन हटा के और कोई दूसरा एटम लाना है मान लो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या ओ कोई और मतलब तरीके का अदर देन एक मतलब एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को मैं हटाऊंगा और उसकी जगह मैं कोई और एटम लेके आऊंगा तो किसी और एटम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिफरेंट है ना डिफरेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं हेट्रो सो वॉट यू विल डू इज यू विल ब्रिंक सम हेट्रो एटम तो चाहे वो आइटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ आइटम भी हो सकता उसी को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता सो वॉट इज फंक्शनल ग्रुप सर सिंपल है अब मैं हाइड्रोकार्बन को थोड़ा बदल के मैं कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाऊंगा मतलब आई आईल रिमूव वन और मोर हाइड्रोजन एटम आई एल रिप्लेस दैट विथ समुप ऑफ एटम और एंड दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो आप अटैच करोगे हाइड्रोजन की जगह पे जो डालोगे उसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को फंक्शनल है सो और ग्रुप ऑफ एटम और आयन व्हिच आर पार्ट ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन चेन एंड इंपार्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड का मतलब कि सर पहले आप ये बेसिक तौर पर समझ जाओ कि जैसे ये क्या है अपना मीथेन है मैंने सोचा कि यार चलो एक हेट्रो आइटम डाला जाए इसको हटाया जाए इसको निकालो और इसकी जगह क्या करो इसकी जगह पे आप कोई और मान लो क्लोरीन लगा दिया तो ये क्या बन गया भैया था तू तो मीथेन अब क्या बनेगा ये क्लोरीन आ गया मीथेन में ये बन गया क्लोरोमीथेन क्लोरो, मिथेन। क्लोरो मिथेन।

यह यह मीथेन था मीथेन की जो प्रॉपर्टी थी वो एकदम अलग रहेगी क्लोरोमीथेन से सो जस्ट दिस एटम उसके आने से प्रॉपर्टी बदल गई सो so, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप हमको पांच ही पढ़ने हमको पांच ही पढ़ने है। पहला है हेलोजन ग्रुप हेलोजन में क्या कैटेगरी आती है क्लो, क्लोरीन ब्रोमीन जिनके लास्ट ऑर्बिट में सात इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन वो सब आ सकता है क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो ये सब नाम में आएंगे आगे देखना प्रिफिक्स ये लगेंगे जैसे हमने क्लोरोमीथेन लिखा था ऐसे ही ब्रोमोमिथेन या फिर आयोडोमीथेन या फिर फ्लोरोमीथेन ठीक है तो हमको ज्यादा क्लोरीन ब्रोमीन में ज्यादा खेल दिया रहता है तो ऐसे इन जनरल हैलो ठीक है ज्यादा कंफ्यूज मत होना फिलहाल ये देखो कि जैसे तुम्हारा ये प्रोपेन था प्रोपेन में एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्लोरीन लगा दिया और इससे यह बन गया क्लोरोप्रोपेन यार ठीक है तो क्या है कि नाम कैसे दे रहे हैं अपन अलकेन को छेड़छाड़ नहीं कर रहे अलकेन तो अलकेन ही है उसके आगे हम एक चीज अटैच कर रहे हैं और वो वर्ड क्या है सो द जनरल नेम तो अलकेन में आप मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन कुछ भी हो सकता है सकता है ब्रोमो भी हो सकता है आयोडो भी हो सकता है ठीक है सो वन सो इन जनरल द नेम इज हैलो अल्केन जैसे तो हैलो मोटो वैसे यहां पे हैलो अल्केन वैसे हो गया ठीक है सो so तो प्रीफिक्स लगता है यहां पर इन जनरल व्हाट इज अ प्रीफिक्स है ना जो स्टार्टिंग में लगता है प्रीफिक्स इन जनरल इज हैलो तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो एटसेट्रा तो ये ए, एक फंक्शन ग्रुप हो गया हैलोजन ग्रुप हैलोजन जो होते हैं ठीक है इसके बाद दूसरा है अल्कोहल। हॉल अच्छा हेलो में एक और एग्जांपल दे दिया देखो ब्रोमो प्रोपेन है ना प्रोपेन में ब्रोमीन लगा दिया ब्रोमो प्रोपेन हो गया अल्कोहल में सर अल्कोहल में एक सफिक्स लगता है नाम के आगे ऑल पर अटैचमेंट क्या होता है सर अल्कोहल में अटैचमेंट होता है जैसे यहां पर अटैचमेंट था सी या बी या आयोडीन ये अटैचमेंट था ठीक है? एल्कोहल में अटैचमेंट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो ये ओ एच, तो तो -एच ग्रुप हो गया जो को, जो कि हम अटैच कर सकते हैं राइट तो ओ एच ग्रुप अगर हमने किसी भी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन हटा के अगर ओ एच लगाना शुरू कर दिया तो वो अल्कोहल बन जाता है ठीक है एंड सफ़िक्स यहां पर जो लगता है मतलब आपके अल्केन के नाम में से ई हट जाएगा और ई की जगह ऑल लग जाएगा तो द जनरल नेम इज अल्केनॉल तो ये हो जाएगा मीथेन में से ई हटा और ऑल लगा दो मीथेनॉल, मतलब सर मीथेन है अपना ये सी एच फोर बराबर अगर इसका एक हाइड्रोजन निकाल दिया अपन ने उसकी जगह ओ एच लगा दिया तो ये सी एच थ्री ओ एच क्या होगा मिथेनॉल सी टू OH एच फाइव ओ एच क्या होगा इथेनॉल सी थ्री एच सेवन है ना दो कार्बन बाकी सब हाइड्रोजन और एक ओ OH एच लग गया तो ये हो गया इथेनॉल इथेन से बना इथेनॉल ई हटा के और लगा रहे सफिक्स लगता है यहां पे दिस इज आई पी रूल आप सीख रहे हो तो जैसे ये प्रोपेन है प्रोपेन में ओ एच लगा दिया एक हाइड्रोजन को हटा के प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल हेग्जेनॉल ऑक्टेनॉल है ना हेप्टेनॉल तो अपन ने दो पढ़ लिया हैलोजन पढ़ लिया अल्को, अल्कोहल पढ़ लिया जिनको अभी भी दिक्कत हो रही है आगे एग्जाम्पल करेंगे चिंता नहीं करो क्लियर हो जाएगा वहां पर मैंने बोला पांच पढ़ने दो पढ़ लिया तीन और पढ़ने एक है अल्डीहाइड अल्डीहाइड में क्या अटैचमेंट लगता है बताया गया

आल, ये उठा लिया लगता है इसका ठीक है तो अब ये जैसे यहां पर देख लो कि भाई ये अपना क्या है प्रोपेन है और ये डबल बॉन्ड व्हाट है ना सी एच ओ का अटैचमेंट जब लग रहा है टोटल देखो टोटल कार्बन कितने एक दो तीन और सी एच ओ जैसा अटैचमेंट है तीन है इसलिए प्रो आया और सी एच ओ का अटैचमेंट है इसलिए आल ठीक है अगर प्रोपेनॉल नॉल होता तो अल्कोहल होता ओ OH लगता तो ये सी एच ओ लग रहा है तो ये प्रोपेनाल दिस इज एल्डिहाइड एल्डिहाइड अनदर फंक्शन ग्रुप ठीक है अच्छा ये बताओ व्हाट इज दिस दिमाग पे जोर डालो हाँ वन टू थ्री फोर फाइव पांच है सर पेंटेन लिख दो पेंटेन और सी एच ओ का अटैचमेंट है तो वाह बढ़िया अच्छा जी ठीक है अब ना मैं थोड़ा खेल खेलता हूँ सर क्या यार अभी खेलने का टाइम है क्या सर ये इतना टेंशन का काम चल रहा है आप खेल खेलने की बात कर रहे हो ठीक है ठीक है थोड़ा सा तो बनता है यार हक बनता है अपना तो मान लो कि अगर ये ओ ऐसे लगा दिया तीन का सर ये तो वही लग रहा है सेम ही लग रहा है सर मतलब सर आप खेलने की कोशिश कर रहे हो पर हम हम जीत गए सर कोई नहीं तुमको जीतने के लिए तो बनाया था मैंने डबल बॉन्ड ओ एच तीन कार्बन वाला अल्डिहाइड सेम है सर प्रोपे नाल है अच्छा अगर मैंने ये डबल बॉन्ड ओ को थोड़ा घुमा डाला तो लाइफ झिंगा लाला अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड यहां पर लगा दिया हमने और इधर हो गया एच हर कार्बन देख सबके डंडे पूरे हैं इसके भी एक दो तीन चार दैट देखो अटैचमेंट क्या है अभी सी एच ओ का अटैचमेंट नहीं है बीच में आ गया ये पहले एंड कार्बन पे था तो एच वाली कहानी आ रही थी चाहे इस एंड पे चाहे इस एंड पे लगाओगे तो एच वाली कहानी आएगी सी एच ओ होगा पर वही डबल बॉन्ड ओ अगर आपने बीच में कहीं लगा दिया तो वो सीओ का अटैचमेंट है एंड दिस इज नॉट कॉल्ड अल्डी नाउ दिस इज कॉल्ड कीटोन दिस कॉल्ड है ना डबल बॉन्ड ओ अगर आपने आखिरी कार्बन में लगाया चाहे इस एंड पे चाहे उस एंड पे टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लगाया तो वो अल्डिहाइड कहलाता है नॉन टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया तो दैट इज कॉल्ड कीटोन दैट इज कॉल्ड कीटोन देख लो डबल बॉन्ड ओ इधर लगा दिया तो कीटोन बन गया और नाम क्या पड़ा को हटा के ओन लगा दिया हमने बस प्रोपेनोन ब्यूटेनोन पेंटेनोन हेगेनोन ऑक्टेनोन एंड सो so ऑन तो यहां पे सफिक्स लगता है ओन ई को हटा के मतलब अल्केन का जो ई है लास्ट में अल्केन के जो Alkane के लास्ट में जो ई e है ई e को काट के यहां पर क्या लग गया ओन ठीक है सो so और कीटोन में इतना ही अंतर है कि डबल बॉन्ड जो है अगर तुमने टर्मिनल कार्बन पे लगाया मान लो कि वन टू थ्री फोर फाइव फोर है कुछ भी है अगर तुमने यहां या फिर यहां अगर डबल बॉन्ड ओ लगाने की कोशिश करी ठीक है कोई भी टर्मिनल कार्बन पे तो वो अल्टीहाइड बनेगा एंड कार्बन पे पर इसी में अगर तुमने बीच में मतलब बोलेगा मतलब है कि किसी नॉन टर्मिनल कार्बन पे ओ लगाने की कोशिश करी ये आइदर दिस हियर और हियर कोई भी एंड कार्बन छोड़ के कोई भी, भी बीच वाले कार्बन पे लगाओगे तो वो क्या बन जाता है तब वो कीटोन बन जाता है इतना ही फर्क है ठीक है जस्ट चेक दिस इसे समझ में आ रहा है एंड कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ है अल्केनाल प्रोपेनाल यहां पर बीच में है प्रोपेनोन Alkanon. चार हो गया सर एक ही बचा है सर बता दो फटाक से एक है कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिल अल्कोहल बड़ा मशहूर है वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी काफी मशहूर है एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा सो so, इसमें लगता है सफिक्स ओइक एसिड सफिक्स है अलकेन में से ई को हटा दो और ओइक एसिड लगा दो ठीक है सो द नेम विल बी जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेनोइक एसिड ब्यूटेन है तो ब्यूटेनोइक एसिड एंड सो ऑन और एसिड यहां पर लग रहा है ठीक है जस्ट सी दिस अभी अटैचमेंट क्या था वो तो बताया नहीं सर अटैचमेंट यहां होता है सी ओ ओ एच बोलने को सर क्या है ओ एच तो अगर इसको डिटेल में दिखाऊं तो ये सी डबल बॉन्ड ओ रहता है और उसके साथ ओ OH एच भी रहता है मतलब एल्कोहल वाली बात भी आ गई डबल बॉन्ड ओ वाली बात भी आ गई ये अलग ही ग्रुप बन गया दिस इज कॉल्ड सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि तुम्हारा सी एच थ्री सीओ एच इथेनोहिक एसिड एच सी ओ एच इजनोक एसिड सो राइट तो ये तुम्हारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तुम्हारा इस कैटेगरी में आ जाता है वो ठीक है सो so, अब एक बार समराइज करना बहुत जरूरी है अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा ठीक है जितना भी फंक्शनल ग्रुप है पहले चार पांचों का नाम लिखो पहला हैलोजन दूसरा क्या था अल्कोहल सर तीसरा अल्डीहाइट सर सर भी क्या? चौथा कीटोन उसी का बड़ा भाई अल्डीहाइट का पांचवा कार्बोक्सिलिक एसिड राइट सही है सर और अटैचमेंट क्या होता है यहां पर होता है सी एल का या बी आर का या आई का इधर पे होता है ओ OH एच का इधर पे होता है सी एच ओ का यहां पे होता है डबल बॉन्ड ओ की कहानी दोनों साइड में कार्बन चेन एक्सटेंड करता है और इधर पे होता है सी ओ ओ एच का ठीक है सर इसमें सिर्फ प्रिफिक्स लगता है बाकी सब में क्या लगता है बाकी सब में सफिक्स लगता और ये यार मिटा दिया मैंने क्या था करेंगे वापस करेंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है क्या था वापस याद करो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट वन इज अल अल नहीं था पहले पहले हेलोजन था एलोजैन दूसरा इज अल्कोहल तीसरा इज अल्डिहाइड चौथा इज कीटोन पांचवा कार्बोक्सिलिक एसिड बराबर है यस सर अटैचमेंट क्या है यहाँ पर है डैश सी एल या फिर डैश बी आर यहां पर है डैश ओ एच यहां पर है डैश सी एच ओ यहां पर है सी डबल बॉन्ड ओ यहां पर है सी तो ओ ओ एच और यहां पर जो प्रीफिक्स लगता है प्रीफिक्स लगता है इस वाले में और सर बाकी सब में क्या लगता है बाकी सब में सफिक्स है ना नामकरण करने के टाइम पे बाकी सब में सफिक्स लगता है क्या प्रीफिक्स लगता है सर तो इधर पे जो प्रीफिक्स लगता है वो होता है हेलो ठीक है और उसके आगे जो भी अलकेन है इनमें क्या लगता है सफिक्स लगता है वो भी कैसे कि जो आखिरी का ई है उसको काट के कुछ चीज लगाई जाती है ई को काट के कुछ चीज लगाई जाती है ई को काट के कुछ चीज लगाई जाती है ई को काट के कुछ चीज लगाई जाती, जाती है क्या लगाया जाता है सर तो सफिक्स यहां पर लगता है अल्कोहल में ऑल इसमें आल इसमें ओन और इसमें ऑइक एसिड ठीक है इसमें सर में ये नोट कर लेना दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इसमें ई को नहीं काटते यहां पर ई को काटा जा रहा है ठीक है को कट करके हम लगा रहे हैं। तो यहां पे जनरल नेम तो दिस इज जनरल नेम ये जो चीज है ये क्या है जनरल नेम बनता जा रहा है आई होगा हेलो आईपीएस मतलब ब्यूटेन ब्रोमो हेगेन या वट ठीक है यहां पर जनरल नेम है अलकेनॉल ठीक है तो ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल हेक्जेनॉल यहां पे अल्केनॉल तो मिथेनॉल ब्यूटेनाल, हेगेनाल ठीक है इधर ओन तो प्रोपेनोन ब्यूटेनोन पेंटेनोन यहां पर ऑइक एसिड मिथोनॉइक एसिड इथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड बेंटेनॉइक बेंटेनॉइक बोल रहा हूँ बेंटेन कहाँ से आ गया यहाँ पे, ओके सो ये हो गया तुम्हारा कहानी समझने वाला बाकी एग्जाम्पल सभी आगे अपन करेंगे नोट कर लो मैं मिटा रहा हूँ लेट अस लेटेस्ट सीधी मैंने बताया नॉर्मन के लिए फुल फॉर्म क्या है ये एक संघटना है जो भाई सारा ठेका केमिस्ट्री के इसी ने ले रखा है भाई कमाल है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता क्या था भाई है कि ना जैसे रशिया और यूएस का कोल्ड वॉर तुमको सुना होगा तुमने आपस में बहुत लड़ाई इनकी रहती थी तो ये लोग है ना जब कोई नया एलिमेंट या कुछ ऐसा कंपाउंड डिस्कवर करते थे ना तो अपना अपना नाम लिखते थे अपने अपने हिसाब से नाम देते थे ठीक है साइंटिस्ट का नाम हो जाता था तो और साइंटिस्ट तो ठीक है पर कंट्री के नाम से भी बहुत कुछ होने लगा था तो वो चीज को दूर करने के लिए एक आई यू, यू पी जो है ये एग्जिस्टेंस में स्पेशली आया कि जहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से नाम हो कि भाई आसानी से उसको रिकॉल किया जा सके एंड दैट वॉज दी मतलब तुम देखोगे था कमाल का बहुत ही खूबसूरत तरीके से सो एनी कंपाउंड विल हैव टू टाइम्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ नेम वन इज द कॉमन नेम वन इज द आई यू नेम हम कॉमन नेम यम यहाँ नहीं पढ़ने वाले मतलब जैसे क्लोरोमिथेन है तो मिथाइल क्लोराइड इज ए कॉमन नेम क्लोरोमिथेन इज ई आयू तो हम आई यू पी एस ही पढ़ रहे हैं टेन्थी कॉमन नेम से वो याद रखने वाली चीज़ होती है और uh, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू उसका वाला पार्ट बट आई यू पी एस जो बेस्ट uh, तुम्हारे लिए होगा ठीक है तो अब जैसे यहां पर यू नो दिस, अब वन कार्बन है, दो कार्बन है तो क्या यहाँ पर नेमिंग टाइप की चीजें होंगी सो so, वो अपन इधर देख रहे होंगे start, तो, that, अब यहां पर हम शुरू करते हैं एग्जैक्टली आई यू पी एस ये तो पता ही है अब मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट नॉन डेक यहां तक ठीक है इधर तक भी काफी ठीक है सो आई पी एस सी नॉमन क्लेचर सिस्टम के तहत हम नेमिंग कर रहे होंगे ओके okay? सो so, आइए शुरू करते हैं यहां पर क्या ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वाला यानी कि ऑक्टेन है रूट नेम क्या है इसका रूट नेम यानी कि इसका जो मतलब बेसिक नेम तो ऑक्टेन ही है ना ये क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सर ये भी ऑक्टेन ही है ओके हाइड्रोजन हालांकि नहीं दिखाया सबके एंड पे हाइड्रोजन है ओके सो रूट नेम तो अपने को लिखना आ गया ऑक्टेन है ऑक्टेन है सही है सर अब अगर अगर मगर वाली केस के केसेस से हम रूल्स मैं रूल अलग से लिखा नहीं रहूंगा तुमको सारी रूल समझ में आएंगे ठीक है नाउ व्हाट आई डू इज मान लो यहां पर मैंने क्लोरीन लगा दिया सर ये बन गया क्लोरो ऑक्टेन सर ये बन गया क्लोरो ऑक्टेन मान लो यहां पर मैंने क्लोरीन लगा दिया सर ये बन गया क्लोरो ऑक्टेन ठीक है या फिर इधर भी लगाओ तब भी क्लोरो ऑक्टेन या फिर इधर लगाओ तब भी क्लोरो ऑक्टेन यहां लगाओ तब भी क्लोरो ऑक्टेन यहां लगाओ तब भी क्लोरो ऑक्टेन यहां लगाओ तो इसका नाम क्या हो जाएगा तब इसका नाम हो जाए अब नंबरिंग शुरू हो जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट क्योंकि एंड कार्बन पे था ना इधर या इधर तब तो कोई नंबरिंग नहीं आ रही थी पर बीच वाली कार्बन में आने से नंबरिंग आ गई तो इसका नंबरिंग क्या होगा टू ऑक्टेन टू क्लोरो ऑक्टेन सर अगर थ्री पे भी है तो क्या होगा तब इसका नाम होगा डाई क्लोरो है है तो डाई, तीन रहेगा तो ट्राई रहेगा ऐसे रहेगा तो कैसे लिखेंगे टू कॉमा थ्री नंबर नंबर के बीच में कॉमा और फिर नंबर लेटर के बीच में डैश आता है सो रूल्स टू कॉमा थ्री क्लोरो नहीं रे बाबा टू कॉमा थ्री दो है ना तो क्या बोलेगा डाइक्लोरोऑक्टेन ऑक्टेन टू कॉमा थ्री सर अगर टू पे ही दोनों होता तो क्या लिखते अगर टू पे ही दोनों होता तो इसको लिखते टू कोमा टू कॉमा टू ऑक्टेन सही है सर टू टू और थ्री होता तो और ऐसा होता होता तो होता आप क्या कर सकते थे डाई की जगह ट्राई आ जाता तो होता टू कोमा टू कॉमा थ्री ट्राई ये नाम होता सब ठीक है अब आपकी बात समझ आ रही है मेरे को अब ये बताओ कि अगर <coughs> लक बाई चांस इधर एक क्लोरीन है इधर एक है अब क्या नाम पड़ेगा क्या ये टू उधर से टू ऐसा काउंट करेंगे नहीं काउंटिंग एक ही साइड से करोगे तुम काउंटिंग एक ही साइड से करोगे सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हो गए सेवन और ये सो टू कॉमा सेवन डाइक्लोरो होगा ऐसे में द नेम विल बी टू कॉमा सेवन डायक्लोरो ओके अब मेरे को एक बात बताओ जी <coughs> अगर टू वाला हटा दिया सेवन पे रखा है अब क्या नाम पड़ेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सर सेवन क्लोरो ऑक्टेन होगा ना नहीं 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 भाई रूल समझ लो रूल यह है कि तुम्हारा जो ब्रांच है तुम्हारा जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट नियरेस्ट कहां से पड़ रहा है सबसे कम नंबर देना है उसको नियरेस्ट कहां से पड़ रहा है तो जहां से नियरेस्ट पड़ रहा है वहां से नंबरिंग होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो इट इज बेसिकली अगेन टू क्लोरो ऑक्टेन नियरेस्ट ब्रांच नियरेस्ट कहां से पड़ रहा है ये सिस्टम याद रखो <coughs> अच्छा ठीक है सर एक रूल दिमाग में सेट हो गया मेरे ये भी अच्छा अब अगर मैं इधर ब्रोमो लगा दूं तो अब क्या नाम होगा सर क्या नाम होगा सर सिंपल है टू क्लोरो थ्री ब्रोमो ऑक्टेन टू क्लोरो सेकंड पे क्लोरो है थर्ड पे ब्रोमो है तो थ्री ब्रोमो ऑक्टेन यहां पर एक गलती कर रहे हो गए और तुम ये लिखते हो एल्फाबेटिकल ऑर्डर इज अनदर रूल तो पहले नियरेस्ट नियरेस्ट है ना ब्रांच जहां से नजदीक पड़े दूसरा मैंने बताया एल्फाबेटिकल ऑर्डर को ना भूलें एल्फाबेटिकल ऑर्डर में एबीसीडी में बी पहले आता है सी बाद में आता है तो आप इसका नाम क्या लिखोगे तो इसका नाम ऑक्टेन तो है ही रूट नेम पर यह टू क्लोरो थ्री ब्रोमो नहीं होगा बी पहले आएगा सी बाद में आएगा एबीसीडी में तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से प्रायोरिटी थ्री ब्रोमो पहले लिखा जाएगा थ्री ब्रोमो और टू क्लोरो देखो जहां भी नंबर और अल्फाबेट है वहां पे मैंने डैश डाला हुआ है बहुत जरूरी थ्री ब्रोमो टू क्लोरो ऑक्टेन कोई दिक्कत नहीं होगी यार यहां पर ओके okay, अगर सर ये तो हो गया ठीक है आपने क्लोरो ब्रोमो में बहुत खेल लिया थोड़ा सा आगे चलते हैं अगर मान लो कि इधर भी ब्रोमो होता और इधर भी क्लोरो होता तब तो और आसान था क्या होता पहले ब्रोमिन लिखते हैं अपन वैसे भी तो टू थ्री डायब्रोमो टू थ्री ऑक्टेन पहले ब्रोमो लिखना है फिर क्लोरो लिखना है और कुछ नहीं ठीक है ओके इसको ये रूल नोट करते जाओ मैं फिर मिटा दूंगा तो फिर बाद में बोलोगे सर मिटा देते हो जी ऐसे नहीं वैसे नहीं ठीक है ओके जी नंबर वाला चार डालने के लिए ठीक है कोई नहीं हम इसी पे ध्यान लगाते हैं अच्छा ये ऑक्टेन ही है सर ऑक्टेन है अच्छा ओ एच लगा दिया ऑक्टेनॉल हो गया ओ एच लगा दिया ऑक्टेनॉल हो गया सही है चाहे वो ओ एच यहां भी लगाओ कोई भी एंड पे लगाओ नंबर नहीं आएगा नंबर कब आना शुरू हो जाता है जब बीच में तो यहां पर ओ एच लगा दिया अगर तो नंबरिंग वन टू थ्री भैया थर्ड पे है तो थ्री ऑक्टे ना हाई लेवल पे तुम जब आगे पढ़ोगे जिंदगी में तो ऐसे लिखोगे ऑक्टेन फिर आगे डैश फिर थ्री फिर ऑल ऐसे लिखोगे ठीक है मान लो थ्री पे भी होता टू पे भी होता तो नाम होता हाँ ऐसे तो अभी दसवीं में तो यही लिखते हैं कि भाई यहां पर दो है तो डाई ऑक्टेनॉल लिख देंगे और वो भी कहां पर टू कॉमा थ्री पे डाई ऑक्टेनॉल है तो ये काम चल जाता है पर थोड़ा सा जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो यहां पर क्या आएगा कि ऑक्टेन के आगे ऑल कहां कहां पर है टू कौमा थ्री पे है और डाई ऑक्टेन टू थ्री डाई ऑल पर ये तुम मत कंफ्यूज दिस विल कंफ्यूज यू जान दो यार टू और थ्री पे डाई ऑक्टेनॉल तीन है तो ट्राई ऑक्टेनॉल सो ऑन ठीक है अच्छा मैंने तुमको कहानी बताई थी कौन सी मैंने कहानी बताई थी वो वाली वो वाली कौन सी सर अल्डिहाइड <coughs> और कीटोन में कितना ही अंतर होता है तो अगर अगर डबल बॉन्ड ओ कहीं बीच वाली कार्बन पे लगा है तो वो कीटोन होता है बराबर ना मान लो इधर आ गया डबल बॉन्ड ओ तो ये कीटोन तो हो गया और नंबरिंग ऐसा है वन टू थ्री थर्ड पे कीटोन में ओन लगते सफिक्स में लगते तो यहां पर ऑक्टेन तो है ओन है तो ऑक्टेनोन कहां पर है थर्ड कार्बन पे थ्री ऑक्टेनोन अगर थर्ड पे भी है और मान लो सेकंड पे भी है थर्ड पे भी है और सेकंड पे भी है तब क्या नाम पड़ेगा टू कॉमा थ्री डायऑक्टेनोन सही बात है सही बात है सर क्लियर है ओके okay. कीटोन भी समझा दिया सर अल्टी बता बताओ का क्या है यार मतलब हाइड एंड कार्बन पे बीच वाली कार्बन पे की टोन अल्टी का भी, भी क्या है ना ये इधर या तो इधर टर्मिनल कार्बन पे रहता है सर so, दोनों एंड पे हो सकता है हो सकता है ना क्यों नहीं हो सकता दोनों एंड पे कर लो ठीक है तो या तो एक एंड पे या तो दोनों एंड पे इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया अरे यहाबल अल्टी हाइड हो गया वन पे भी और एट पे भी वन पे भी और एट पे भी तो मैं क्या लिखू वन कोमा एट डाय ऑक्टे ना हाँ भाई अल्टीहाइड है तो नॉर्मली सिर्फ देखो ऑक्टे में यही हो सकता बीच में लगा देता तो, तो अल्टीहाइड में क्या होगा या तो कोई एक एंड पे होगा या तो दोनों एंड पे दोनों एंड पे तो ऐसे नंबर लगा दो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सेम सीन है वो तो भी टर्मिनल कार्बन पे ही होता है तो मान लो यहीं पे अगर मैं ओ OH एच लगा दूं इधर इधर मैं क्या करूं ओ OH एच लगा दूं नाउ जस्ट लेट मी नो कि अब ये नाम क्या पड़ेगा सी ओ ओ एच आ गया कहानी में सी ओ ओ एच आ गया सर आपने ये एक्स्ट्रा बॉन्ड लगा दी सी ओ एच आ गया आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं ऑइक एसिड क्या बोलेंगे इसको ऑइक एसिड मतलब ऑक्टेन था सर है ना दिस वाज ऑक्टेन और फर्स्ट कार्बन पे ये तो मैं मैं लिख दूंगा ऑक्टे नॉइक एसिड और सर पहले और उसमें दोनों पे होता तो हो सकता था ये भी तो हो सकता है तो या तो कोई भी एक एंड पे या दोनों एंड पे हो गया ओज, क्या हो जाएगा वन और एट वन कॉमा एट डाई ऑक्टेनोइक एसिड एल्कोहल समझ लिया अपन आपने अल्टीहाइड ऑक्टेनोइक एसिड और डबल uh, बॉन्ड वाला भी तो समझ लो ठीक है अब क्या करता हूं मैं ये बेसिक रूल हटा देता हूं डबल बॉन्ड वाला भी तो समझो अगर डबल बॉन्ड साइड में है या एंड में इधर एंड इधर कोई दिक्कत नहीं डबल बॉन्ड बीच में आ गया तो क्या करोगे मान लो कि डबल बॉन्ड आ गया ही बीच में तब तो यह नाम हो जाएगा सर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सेकेंड नंबर से शुरू हो रहा है ना तो इसका नाम होगा टू ऑक्ट इन एक्चुअली ऑक्ट टू इन होता है पर टू ऑक्ट इन ठीक है पर अगर टू पे भी शुरू हो रहा है और मान लो कि मैं ये कह रहा हूं कि फोर पे भी शुरू हो रहा है तो व्हाट इज द नेम बस वही नंबर लगाते जाओ यार क्या नंबर आएगा सर बताओ तो सही वो होगा टू से शुरू हो रहा है एक और फोर से शुरू हो रहा टू कॉमा फोर डायऑक्टीन अगर यहां डबल कीजिएगा ट्रिपल बॉन्ड होता तो टू कॉमा फोर डाइ सिंपल है अब देखो एक चीज और बताऊंगा ये जो अल्केन होता ना अलकेन अलकेन में अगर एक हाइड्रोजन लेस कर दो तो वो हो जाता है अलकाइन सॉरी अलकाइन बोल रहा हूं अलकाइल वन हाइड्रोजन लेस फ्रॉम अल्केन विल मेक इट अल्काइल alkane, सर कैसे बताओ जरा एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल मीथेन बन सकता है मिथाइल आइन नहीं बोल रहा आइल बोल रहा हूं इथेन बन सकता है इथाइल जैसे मिथेन का फॉमला सी एच फोर अगर एक एच निकाल दिया तो सी एच थ्री और डैश वो डैश को कहीं भी जोड़ सकते हो वैसे ही सी टू एच सिक्स एक हाइड्रोजन निकाल दो तो सी टू एच फाइव डैश ठीक है अगला होगा सी थ्री एच एट सी थ्री क्या बन जाएगा सी थ्री एच सेवन एक हाइड्रोजन कम करके डैश लगा दिया तो कहीं भी जोड़ सकते हैं मतलब क्या ये ग्रुप है अल्काइल ग्रुप बन जाता है ये क्योंकि ये कहीं अटैच हो सकता है तो मान लो कि सपोज करो सपोज कि अगर यहां पर मैंने सी एच थ्री लगाया तो अब ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा दिस विल बी कॉल्ड मिथाइल तो अब देखो वन टू थ्री पे है सो so ये हो गया थ्री मिथाइल और क्या था ऑक्टेन थ्री मिथाइल ऑक्टेन सर और एक जगह मिथाइल लगा दो यहां लगा दो तो क्या होगा अरे यार तब तो हो जाएगा थ्री कॉमा फोर डाई मिथाइल ऑक्टेन है ना थर्ड पे भी और फोर्थ पे भी है थ्री कॉमा फोर डाई मिथाइल सर आ, मेरे को भी याद आया अगर मान लो कि मैं ये करता हूं कि इधर पे सी टू एच फाइव लगा दू सी टू एच फाइव इथाइल तो सर यह हो जाएगा थ्री मिथाइल फोर इथाइल ऑक्टेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इथाइल थ्री मिथाइल ऑक्टे सही है तो ये मिथाइल इथाइल की अच्छा मैं एक और चीज बता एक रूल और समझ लोगे कहानी तुम्हारी बढ़िया हो जाएगी सो मेना से आई राइट सी थ्री एच सेवन तो तुम बोलोग ठीक है ना सिंपल है वन टू इधर से नजीक पड़ेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सर ये हो गया मेरे को बताया ये है सर प्रोपाइल टू प्रोपाइल ऑक्टेन टू प्रोपाइल ऑक्टेन सही है सर पर वो गलत हो जाएगा टू प्रोपाइल ऑक्टेन इज नॉट द राइट आंसर टू प्रोपाइल ऑक्टेन इज नॉट द राइट आंसर क्यों क्योंकि यहां पर एक और रूल आ जाता है और वो ये है कि रूट नेम हमेशा कौन सा लिया जाता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले ढूंढा जाता है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तुमको लग रहा है सीधा वाला है लेकिन तुम यहां पर गलती कर रहे हो क्योंकि दिस इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्योंकि इस कार्बन चेन में सिर्फ आठ कार्बन है अब इस कार्बन चेन में तीन तो यही हो गए चार पांच छह सात आठ कितना हो गया देखो ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट नाइन टेन दस कार्बन भाई ये लॉन्गेस्ट ये, ऑक्टेन ये नहीं है ये डेकेन है द नेम विल बी समथिंग लाइक दिस टडन टडन टड ये हो गया ये भी हो गया अब तीन कार्बन और दिखा दू कि इसको सीधा कर लो चलो इसको बेंड करके सीधा कर लेते तो देखो ये ये वाला ये कार्बन है दिस इज दिस अब मैं इसको बेंड कर रहा हूं तो बेंड कर रहा हूं तो ये जो C3 ये वाला जो पार्ट है दिस इज C3H7, C3H7 एच सेवन सी थ्री एच सेवन है ना दिस इज नथिंग बट यही तुम्हारा सी थ्री एच सेवन था जिसको हमने खोल के लिख दिया ठीक है और ये तुम्हारा ब्रांच हो गया सर ये जो सी एच थ्री है ये तुम्हारा ब्रांच हो गया कहां पर लगा इस वाले से ना सो दिस इज सी एच थ्री दिस इज वॉट सी एच थ्री समझ गया ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया और ये ब्रांच बन गया कौन से नंबर पे ब्रांच है तीन तो इधर ही कार्बन हो गया है चौथे नंबर पे सो वन टू थ्री एंड एस फोर्थ कार्बन पे मिथाइल है और पूरा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन थ्री फोर मिथाइल डेकेन। फोर मिथाइल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को रूट नेम लिया जाता है शॉर्टेड है अब यहां पर एक चीज और बताऊंगा सी cl 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 सर ये तो मीथेन था चारो क्लोरीन लगा दिया टेट्राक्लोरोमीथेन बहुत सही दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन सर अगर मैंने यहां पर इधर 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 मैंने क्या कर दिया फ्लोरीन लगा दिया फ्लोरीन लगा दिया तो ये दो क्लोरो है दो फ्लोरो है अल्फाबेटिकली सी पहले आएगा एफ बाद में आएगा डाईक्लोरोडाईफ्लोरोमीथेन सही है डाईक्लोरोडाईफ्लोरोमीथेन अगर मैं CH3, मतलब क्या होता है मिथाइल होता है ना तो अगर मैं मिथाइल चारों तरफ लगा दू तो तुम टेट्रामिथाइल मिथेन टेट्रामिथाइल हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेल ले ले भाई तो ये हो गया वन टू थ्री और टू पे मिथाइल टू पे मिथाइल यानी टू कॉमा टू डाई मिथाइल और क्या तीन कार्बन प्रोपेन दिस इज इन नेम। है ना, टेट्रा मिथाइल कहां से हुआ है? प्रोपेन है सेकेंड पे दो मिथाइल है टू कॉमा टू डाई मिथाइल प्रोपेन आईयूपीएसी आराम से कर लोगे अब आराम से कर लोगे बेसिक समझ लो क्या था आईयूपीएसी में क्या था अरे सर हाँ वो था ना नंबर नंबर के बीच में कॉमा और नंबर लेटर के बीच में डैश ठीक है डाय ट्राइ वो सब लगाया जाता है सर नंबरिंग वंबरिंग दिया जाता है फिर ब्रांच नियरेस्ट कहां से पड़ता है वो देखना पड़ता है एल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ता है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना पड़ता है खत्म में लिख लेना उसको होमोलोगो सीरीज पता क्या होती है होमोलोगो सीरीज यानी कि ये ना केमिकल्स की फैमिली को कहा जाता है और इसमें कौन से फैमिली जाती है मतलब कोई भी ऐसा केमिकल का फैमिली ले लो जिसमें फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर थर्ड मेंबर फोर्थ मेंबर फिफ्थ मेंबर मतलब हर अगला मेंबर अपने पिछले मेंबर से कितने डिफरेंस के साथ जी रहा है सी एच टू मतलब जैसे होता है ना कि हर बड़ा भाई छोटे भाई से या हर बड़ी बहन छोटी बहन से जब जो डिफरेंस है मान लो है सपोज तीन साल पांच साल ओके यहाँ पर हर नेक्स्ट मेंबर अपने प्री सीडिंग से जो डिफरेंस बनाए हुए है वो है सीएच टू अच्छा मास वाइज क्या होगा कार्बन का मास होता है ट्वेल्व हाइड्रोजन का होता है वन दो हाइड्रोजन है तो टू हो गया टू प्लस ट्वेल्व इज फोर्टीन सो एवरी नेक्स्ट मेंबर इज हैविंग अ मास डिफरेंस ऑफ द प्री विद दी विद्री सीडिंग मास अगर ऐसा कोई भी फैमिली तुमको दिखता है तो वो उसको हम होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं तो अभी तुम अगर चेक करोगे ना अल्केन इज अ होमोलोगस सीरीज अल्केन ऐसा फैमिली है CH4 मीथेन है C2H6 इथेन है C3H7 प्रोपेन C3H8 प्रोपेन है C4H10 ब्यूटेन है जस्ट सी द डिफरेंस देखो एक-एक कार्बन का डिफरेंस सब में दिस इज C हाइड्रोजन कितना तना और चार माइनस कर लो दो हो गया सी एच टू यहां पर भी देख लो तीन और दो मतलब एक कार्बन आठ और छ मतलब दो हाइड्रोजन सो एवरी प्रीसीडिंग मेंबर विद है ना उसके पिछले मेंबर से सी एच टू का डिफरेंस सो अल्किनिजम हम लोग सीरीज अल्किनिजम होम लोग उसमें अल्किन में भी ऐसे आएगा सी एच टू ही आएगा फिक्स डिफरेंस नहीं दैट सी एच टू वाला फिक्स डिफरेंस अल्किन भी है अल्काइन भी है अल्कोहल भी है सब सब इसके अंदर आते हैं भाई चेक करके देख लें ज सीरीज ऑफ कंपाउंड विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम फंक्शनल ग्रुप डेफरिंग फ्रॉम सेंबर बाईस फंक्शनल ग्रुप भी उनका अपने member, पिछले member से का या का करके चल रहा होता है एग्जाम्पल इज एल्कोहॉल अल्डीहाइड कीटोन सब सब एक फैमिली लो तुम सब में वही आएगा मतलब इफेक्टिक कार बॉक्स एसिड चेक दिस क्या है एच सी ओ ओ एच सी एच थ्री सी ओ ओ एच सी टू एच फाइव सीओ एच बस जस्ट सीधा डिफरेंस अगर माइनस करोगे ना माइनस करो कितना फर्क आ रहा है इसका इसका देखो ये तो कैंसिल सी एच थ्री और एच है यहां पर तो यहां पे क्या बच गया सी एच टू बच गया फिर इसमें इसमें डिफरेंस भी देखो तो क्या है ये कैंसिल हो गया यहां पर तीन कार्बन है या पांच कार्बन है तो हाइड्रोजन तो, तो कितना हो गया दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है और टू और वन एक कार्बन का डिफरेंस है एवरी एग्जाम्पल जो अपन ने अभी तक पढ़ा है वो सब हो सीरीज है. किसी भी ऑर्गेनिक के दो हिस्से होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट दिस सी एच थ्री डैश सी एच टू डैश सी एच टू डैश सी एच टू डैश सी एच टू डैश सी एल ठीक है ना ऐसे भी लिख सकते हो एच ऊपर नीचे ऐसे भी कंडेन्स फॉर्म में लिख सकते हो सो so, कौन से दो पार्ट होता है एक ये कार्बन का चेन होता है ठीक है वन इज दिस कार्बन चेन लंबा बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है एंड दिस इज दी दूसरा है फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन क्या डिटरमाइन करता है फंक्शनल ग्रुप क्या डिटरमाइन फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन वो किससे रिएक्ट करेगा वो कंपाउंड तो इससे ये पता लगता है फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन दी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट होल मॉलिक्यूल तो केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ इससे पता लग रहा है और ये कार्बन चेन लंबा रहेगा छोटा रहेगा तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड लिक्विड गैस क्या रहेगा so, जैसे मीथेन इज अ गैस जैसे से आप हायर नेक्स्ट नेक्स्ट मेंबर में जाओगे तो लिक्विड बनेगा फिर आगे आगे सॉलिड बनेगा वैसे ठीक है सो so, कार्बन की चेन का लेंथ उसका मास है ना जितना लेंथ ज्यादा रहेगा मास ज्यादा बढ़ रहा है ऑल ऑल एंड सो कार्बन चेन द फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का और जो फंक्शन ग्रुप है डिटोमाइंस की वो कंपाउंड किससे कैसे रिएक्ट करेगा केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये याद रखना सीख लो यार आसान तो है मतलब मुश्किल नहीं है पेंटेन पहले तो क्या है पेंटेन इज पांच कार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड तो बना लो नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लो ठीक है अपने पता है कि भाई ये क्या है दिस इज सी फाइव एच ट्वेल्व तो सबसे पहला काम है सीधा वाला बनाओ है ना हाइड्रोजन बात नहीं करना ऐसा वाला एक हो गया आइसो में पता है ना क्या होता है सेम मॉलिकुलर फॉर्म ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब मैं क्या तो पांच वाला बना लिया अब मैं चार वाला बनाता हूं चार वाला बनाया एक कार्बन है या तो इधर लगा दो इधर लगा दो सेकेंड ही होता है फिर तीन वाला बना लो एक दो तीन बचा कितना दो कार्बन ऊपर नीचे उसके बाद हाइड्रोजन लगा तो काम हो गया तुम्हारा मतलब मैंने क्या रूल लगाया पे एसन था पहले पांच कार्बन वाला सीधे बना लिया फिर एक कार्बन कम किया उसको कहीं अटैच कर दिया फिर दो कार्बन कम किया उसको कहीं अटैच कर दिया ठीक है तो लेकिन तुम बोलोगे सर अच्छा मैं तो और बना सकता हूं तुम बोलोगे सर मैं मैं तो यह बना सकता था मतलब तो आपने ये तो बनाया नहीं अरे दिस एंड दिस सेम यार नाम देखो टू मिथाइल ब्यूटेन टू मिथाइल ब्यूटेन so दिस एंड दिस, 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 दिस आर इक्विवेलेंट ठीक है कंफ्यूज नहीं होना हाइड्रोजन दिखा दो यहां पर सबने आइसोमर्स बनाने का अगर तुमको अलग से और डिटेल वाला चाहिए तो, तो दैट इज ऑल डन ऑलरेडी वो चेक कर सकते हो आइसोमर्स डालोगे तो अलग से डिटेल में भी तुमको मिल जाएगा मतलब इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ मान लो तुमको एज अ होमवर्क में देता हूं हेक्सेन का बनाओ तो क्या करेंगे सर मतलब छह क्या है दो तीन चार पांच ठीक है सीधा वाला बना लिया सर अब पांच वाला बनाएंगे यस एक दो तीन चार पांच एक कहां बनाएंगे बीच में दिखाओ इधर दिखाओ सर पांच वाला एक और बन सकता है यस एक दो तीन चार पांच So, जैसे यहां सेकेंड पे दिखाया थर्ड पे दिखा दो यस एब्सोल्युटली सर चार वाला बनाए यस yes, क्यों नहीं बनाएंगे एक दो तीन चार सर दो बचा है तो दो या तो इधर बना दो तो एक पे ही या फिर चार वाले पे एक इधर दिखाया इधर दिखाया ऊपर नीचे कहीं भी दिखो है ना दो डिफरेंट कार्बन पे और, और कुछ पॉसिबल है तो बना के दिखाओ तीन कार्बन वाला सर कर सकते हैं क्या एक दो तीन तीन बचाए तो अगर तीन बचाए तो आप ऐसे करोगे फिर आप ऐसे करोगे बन तो ये वही गया ना जो ये वाला था ठीक है सो थोड़ा सा लॉजिकली आप वहां पर समझना सीखो अगला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाम से मशहूर है इसमें देखो दो ही चीज याद रखो आप ठीक है दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप दो ही चीज आप याद रखो कि आ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट और क्रॉस ऐसे इससे रिप्रेजेंट किया जाता है और दूसरी चीज क्या है ओनली स इलेक्ट्रॉन्स यानी क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर शोन याटेड जैसे अगर मुझे कार्बन दिखाना है तो कार्बन का सिर्फ आउटर मोस्ट में क्या है चार इलेक्ट्रॉन ये दिखाऊंगा अगर मुझे हाइड्रोजन दिखाना है क्रॉस या डॉट कोई भी यूज करो तो उसका एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट है वो दिखाऊंगा ठीक है अगर मुझे नाइट्रोजन दिखाना है नाइट्रोजन के पांच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है सो so, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है अब देखो कंपाउंड के फॉर्म में कैसे दिखाया वो है फॉर एग्जाम्पल मेरे को मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बाबू सी एच फोर का पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि भाई सर यहां पर जो है ऐसे चार हाइड्रोजन ऐसे दिखाया जाते हैं बस इसी को उठा लो इसी से बना लो कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे चारों साइड दिखा दिए सर और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक, 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 एक साइड से यहां पर है ना एंड दिस इज हाउ मीथेन का स्ट्रक्चर इज डन इससे क्या हो रहा है इससे देखो यहां पर कार्बन की ऑक्टेट भी पूरी हो गई और हाइड्रोजन की डुप्लेट्स भी क्या हो गई पूरी हो गई सही बात है आफ्टर दिस मान लो इथेन करना है इथेन सी टू एच सिक्स सही है तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लो भैया दो कार्बन सही है अब वन टू थ्री फोर इस कार्बन का चार इलेक्ट्रॉन दिखा दिया अब बगल वाले कार्बन का चार इलेक्ट्रॉन दिखा दो वन टू थ्री फोर अब हाइड्रोजन कहा पर है वो देख लो और उसके हिसाब से उसके डॉट बनाते जाओ तो तीनों तरफ इसके हाइड्रोजन 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 ओनली ओली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड और इससे हो क्या रहा है तुमको पता लग रहा है कि भाई हाइड्रोजन के ड्यूपलेट्स पूरे हो गए हाइड्रोजन के डुप्लेट्स पूरे हो गए और कार्बन का ऑक्टेट पूरा होता जा रहा है ठीक है अब मान लो कि मुझे बनाना है फॉर इथीन तो इथीन क्या होता है सी टू एच फोर यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऐसा और बराबर तो व्हाट यू कैन डू इज सी टू देखो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड के तो मतलब यह है कि इसके दो इलेक्ट्रॉन इधर ही यूज हो गए और बाकी एक एक हाइड्रोजन के साथ सामने वाले कार्बन का भी वही कि उसके दो डबल है ना भाई दो इलेक्ट्रॉन इसके दो इसके ठीक है बाकी हाइड्रोजन के साथ एंड हाइड्रोजन की बात करें अगर मैं अलग अलग कलर इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है आपको कैसे बनाना एग्जाम में क्लियरली बनाओगे तो काम आसान हो जाएगा सही है देखो ये सर्कल बनाने से क्या होता है ना कि यहाँ पर पता परफेक्ट सर्कल नहीं हो तो भी चलेगा ऑक्टेट पूरा हो गया देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया ऐसे ही इसका भी ऑक्टेट पूरा दिख रहा है ऐसे भी यहां पर ड्यूपलेट्स पूरे हैं हाइड्रोजन के जरूरी नहीं है कि साइड में दिखाना है ठीक है तो जहां जहां पर तुमको सिंगल बॉन्ड दिखे तो समझ लो एक इलेक्ट्रॉन इसका है एक सामने वाले का जहां जहां पर डबल बॉन्ड दिखे मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसका है दो सामने वाले का है जहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो भाई तीन इलेक्ट्रॉन इसका है और तीन इलेक्ट्रॉन सामने वाले का है तो यू कैन ड्रॉ इट इजीली ठीक है अगर मान लो मेरे को फॉर एग्जांपल <coughs> साइक्लो प्रोपेन का <coughs> ड्रॉ करना है तो यू <coughs> नो you know कि ये सी थ्री एच सिक्स होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है सर और एक एक हाइड्रोजन <coughs> समथिंग लाइक दिस बराबर अब मुझे अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना तो मैं पहले क्या करूंगा कार्बन को ऐसे दिखाऊंगा थोड़ा तो पास पास बड़ा दिखाया कारण है और उसके इलेक्ट्रॉन तो वन एक यहां पर शेयरिंग किया इस कार्बन ने एक यहां पर शेयरिंग किया एक एक हाइड्रोजन से फिर दूसरा हाइड्रोजन से ठीक है और ऐसे ही इस कार्बन की बात करें तो वन इलेक्ट्रॉन शेड हियर एक इधर शेड है एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन अगले कार्बन की बात करें तो एक इधर शेड है, वन हाइड्रोजन उधर हाइड्रोजन ठीक है इसके बाद अगर हाइड्रोजन दिखा लेते हैं, इस हाइड्रोजन का शेयरिंग ठीक है इससे बस देखते जाओ दो हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन यहां पे आ गया इसके पास भी दो हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन यहां दिख रहा है यहां पर भी दो हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन ऐसे दिख रहा है <coughs> सर सर्कल बनाना है तो बना लो इसका ऑक्टेट पूरा इसका ऑक्टेट पूरा थोड़ा दूर दूर, दूर बनाओगे तो और क्लियरली दिखा सकते हो दो तरीके हैं या तो ऐसे बड़ा ड्रॉ करो ठीक है पहले से ही माइंड में चलता हो तो चल जाएगा <coughs> थोड़ा सा बच्चे क्या करते हैं दूर दूर भी ड्रॉ कर लेते हैं वो भी सही तरीका होता है जैसे कि अभी मेरे को साइक्लो सी सिक्स एच ट्वेल्व तो इन दैट केस मेरे को पता है कैसे वो हेक्सेकोन बनेगा तो मैं हेक्सेकोन बना लेता हूं पहले ठीक है मतलब कॉर्नर पे मैं कार्बन दिखा रहा हूं बच्चे क्या करते हैं यहां पे दो दो हाइड्रोजन चाहिए एक इधर एक इधर एक यहां पे एक यहां पे इस कार्बन का भी सेम कहानी वन टू थ्री एंड फोर ठीक है सबका करते जाओगे ऐसे तो ये ऐसे सर्कल हो रहा है ठीक है ऐसे सर्कल हो रहा है दिस इज ऑल्सो गुड टेक्निक है पे भी चल जाता है, ये वाला भी चल जाता है ओके okay? यहां पे सर्कल हो रहा है सो so, सबका इसी तरीके जैसे ये दिख रहा है सबका ऐसे बन हो जाए ट्राई कर ठीक है इसके अलावा आपको और क्या कहा जाता है इसमें H2 का बनाने को आता है ऑक्सीजन uh, का बनाने को आता है नाइट्रोजन का आता है, है टेक्स बुक में दिया हुआ ये ठीक है एस एट का कर सकते हो क्राउन शेप सल्फर का तो एस एट का मतलब आठ सल्फर दिखा दो टॉप यू दिखा रहे अपन क्राउन शेप है, है मान लो इस तरह से है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बराबर ना ऊपर से दिखोगे तो ऐसे दिखेगा ना शेयरिंग दिखा सकते हो हर सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन्स सो वन टू एक इधर शेयर किया एक इधर शेयर किया बचा चार थ्री फोर फाइव सिक्स ये ये भी फ्री वाला इलेक्ट्रॉन है ये फ्री वाला शेयरिंग वाला इधर ठीक है ऐसे ही सबका चार इलेक्ट्रॉन इधर फ्री मतलब चार इलेक्ट्रॉन है दो ऊपर दो नीचे दिखा दो बाकी एक इधर शेयर है एक इधर शेयर सबका ऐसे आ जाए ठीक है ये सब मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो अगर तुमको इलेक्ट्रॉन डॉट वाले में इसमें ज्यादा घुस के जानना है इलेक्ट्रॉन डॉट एडियो सर्च वीडियो ठीक है आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन बताए गए हैं चार टाइप के रिएक्शन आपको यहां पर दिए गए हैं कौन सा कौन सा है एक है तुम्हारा कंबशन मैंने बताया बहुत सारे कार्बन कंपाउंड अच्छे फ्यूल्स होते हैं तो बर्न करके हीट हीट प्रोड्यूस करते एंड वो देखेंगे अपन दूसरा जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन में अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड कैसे बनाया जा सकता है वो रहेगा ठीक है फिर एक है एडिशन मैंने बताया था ना कि ऑयल को हाइड्रोजन ऐड करके फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन ऐड करके सैचुरेट बदल सकते हैं वो इसमें आएगा

C plus O2 gives c+o2 गिव्स co2 नॉर्मली एसी हो रहा है मीथेन को बर्न किया बर्न करना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना co2 h2o हीट एनर्जी हीट लाइट एनर्जी ठीक है <coughs> एक और देख सकते हो c2h5oh इज इथेनॉल बर्न कर रहे हैं co2 h2o हीट लाइट एनर्जी ठीक है इसके बाद दूसरा वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन अच्छा कंबशन में एक और चीज याद रखना कि कार्बन के काफी कंपाउंड हमने गाइस एज अ फ्यूल होते हैं <coughs> पर सवाल ऐसे आता है कि अगर मैं एक तरफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लू और एक तरफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लू तो कौन ज्यादा पोल्यूशन करेगा तो आप देख सकते हो कि अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले रहा हूं मान लो दो कार्बन वाला मैं अल्काइन ले रहा हूं ठीक है और एक तरफ मैं दो कार्बन वाला मान लो अल्काइन ले रहा हूं तुम बोलो सो दोनों में पोल्यूशन ज्यादा मतलब कौन कार्बन किस में ज्यादा है दोनों में दो कार्बन है परसेंटेज देखो परसेंटेज टोटल कितने है? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ में से दो एटम कार्बन के है। कितना परसेंट हुआ यहां पर पच्चीस परसेंट कार्बन है किसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड में कितना हुआ एक दो तीन चार चार में से दो एटम कार्बन है कितना परसेंट हुआ 50 परसेंट कार्बन है सो अनसैचुर अल्किन में देखोगे तो 33 थ्री परसेंट आएगा इथिन में तब भी सबसे कम परसेंट कार्बन किसमें है परसेंटेज की बात करो तो आप एक किलो या आधा किलो फ्यूल जला रहे हो तो कितना परसेंट कार्बन निकल रहा है ठीक है सो हियर यू कैन सी दैट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज इज प्रूविंग टू बी अ गुड फ्यूल क्योंकि उसमें कार्बन की परसेंटेज कम है और गुड फ्यूल कौन सा होता है ब्लू कलर की फ्लेम जलती है जैसे अपने घर में जो एलपीजी होता है ब्लू कलर की फ्लेम जलती है लेकिन जो अच्छा फ्यूल नहीं है जैसे प्लास्टिक जलाओ ना तुम पीला पीला फ्लेम रहेगा येल्लो फ्लेम रहेगा और काला काला धुआं निकलेगा सूथी फ्लेम रहेगा येल्लो कलर कार्बन का पार्टिकल सूथ निकल रहा है उसमें सो दैट इज नॉट अ गुड फ्यूल अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन ज्यादा कार्बन कंटेंट ज्यादा पोल्यूशन करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेस कार्बन कम पोल्यूशन करेंगे ब्लू कलर की फ्लेम होती है इसमें कम पोल्यूशन वाले में ज्यादा वाले में येलो कलर की फ्लेम विथ उसको सूथी फ्लेम बोलते हैं काला काला पार्टिकल्स निकल रहा हुआ ठीक है ऑक्सीडेशन में जैसे मैंने बताया कि तुम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो अल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड करके यूजिंग सम गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो वहां पर देखो आप कि ये इथेनॉल है दिस इज सी टू एच फाइव ओ एच इथेनॉल सो इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे यहां पर पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट तो अल्काइन पोटासियम पर मैगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट अलोंग विथ हीट दोनों में से कोई एक चीज लेनी है हीट करना है और देखो यहां पर क्या बना दिस इज गिविंग इथेनोइक एसिड तो ये ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ठीक है सो दिस इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं हम इसको एज ए

एसिडिफाइड केमन एम के टू सी आर टू सेवन याल्काइन के एन फोर प्लस ही बी तो भाई ए और बी पूरे बुक में तुमको एक ही है जहां से ठीक है इसके अलावा दो और कौन से बताया मैंने कंबशन हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो गया अभी क्या है एडिशन एडिशन रिएक्शन ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने वाला रिएक्शन जस्ट सी दिस दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ऑयल so, चलिए आर क्या है आर मतलब अल्काइल चेन कैन बी मिथाइल इथाइल मतलब ये कार्बन का और लंबा चेन हो सकता है बोलने का मतलब ये है कि आप इस पर ध्यान दो यहाँ पर देखो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दिस कैन बी कार्बन का और लंबा चेन है ना जरूरी नहीं कि वो सो आर इज इन जनरल अल्काइल के लिए मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कार्बन चेन के लिए आर से रिप्रेजेंट करता है सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एड कर सकते हैं यूजिंग दिस निकल कैटलिस्ट एंड इट कैन बी कन्वर्टेड टू दे हाइड्रोजन एड किया है बाकी आर वैसे ही है तो ये चेंज जैसा है जैसा हो पर बोलने का मतलब है कि यहां डबल बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड किया एंड हमने उसको सैचुरेटेड में बदल दिया सो दिस इज डन क्या है ये हाइड्रोजन ऐड किया है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू गिव फैट मैं ये भी कह सकता हूं तो फैट इज नथिंग बट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो तुमको आए कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू फैट गिव दैट रिएक्शन यही है <coughs> इसके बाद है सबस्टिट्यूशन रिएक्शन सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि भाई जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन को हटा के और क्लोरीन सब्सिट्यूट करेंगे ठीक है कैसे होगा सनलाइट की प्रेजेंस में जस्ट सी दिस मीथेन है मीथेन का एक हाइड्रोजन हटाया क्लोरीन लगाना है मुझे तो एक हाइड्रोजन चार में से एक हाइड्रोजन गया तो सी एच थ्री बचा और एक सी आ गया तो सी बन गया और ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लिखा है और एक सीएल बचा है यहां पर और एक यहां से निकला है तो एच सी एल अलग से निकल गया इसका नेक्स्ट स्टेप भी हो सकता है मतलब तुमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और मिथाइल क्लोराइड को फिर से सनलाइट में एक्सपोज करोगे है तो वहां पे क्या होगा और क्लोरीन रहेगा तो द नेक्स्ट हाइड्रोजन के अलाउस भी रिप्लेस मतलब सी एच टू सी एल टू बन जाएगा ऐसे थर्ड वाला भी कर सकते हो फोर्थ वाला भी कर सकते हो ठीक है पर तुमको यही दिया हुआ है सो दीज आर फोर इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में तुमको यहां पर अलग से पढ़ना है <coughs> इथेनॉल इथेनोइक एसिड के बारे में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में तुमको अलग से पढ़ना है सो so, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है सर सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है सी एच थ्री सी ओ ओ एच ठीक है दिस इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल दी एल्कोहलिक बेवरेजेस कोई भी एल्कोहलिक बेवरेज हो क्योंकि इसमें ड्रंकननेस का इफेक्ट आता है इसलिए चाहे बियर रम सब में यही इथेनॉल मतलब यही वाला एल्कोहल जो है वो मशहूर है बाकी सारे एल्कोहल जो मीथेनॉल प्रोपिनॉल दे आर पॉइजनस दिस इज ऑल्सो फेटल ये भी जानलेवा है प्योर फॉर्म में अगर ये ज्यादा कंज्यूम किया गया दिस इज ऑल्सो जानलेवा ठीक है uh, एसिड 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 का यूज में पता है वो विनेगर विनेगर थोड़ा मतलब अगर मैं बात तो सर आ गया तो और क्या पॉइंट लिख सकते हैं अल्कोहल्स न्यूट्रल होते हैं ये एसिड है, एसिडिक रहेगा न्यूट्रल इन नेचर एसिडिक इन नेचर तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं आप इंडिविजुअली समझ पाओगे तो इथेनॉल इज C2H5OH from alcohol family. Their molecular formula is चलो ठीक है वो तो अपने ही दिया इसके बाद न्यूट्रल है एल्कोहल न्यूट्रल होते हैं नेचर में इसके बाद ये इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडियम प्लस इथेनॉल अगर हम इथेनॉल से सोडियम को रिएक्ट कराएं तो सोडियम इथॉक्साइड बन सकता है अनदर इंपॉर्टेंट केमिकल सी टू एच फाइव ओ एन एन राइट दिस सी टू एच फाइव सकते हो प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड यह रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है सोडियम प्लस इथेनॉल ठीक है एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिया हुआ है अगर हम इथेनॉल को अगर हम इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फरिक एसेड अगर उसमें डालें तो यह एज अ केमिकल एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है डीहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब जो हाइड्रेशन निकाल दे जो वाटर निकाल दे देखो इसमें से क्या कर दिया एच टू अलग कर दिया और इथेनॉल को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया इथिन में सो गिव अ रिएक्शन व्हेन वेयर द इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू इथीन सो इट इज कॉन्सेंट हॉट कंसंट्रेटेड एच टू एस फोर यू इटैक्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर एलिमिनेट करके उसको इथिन में बदल देता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था ये आप इसको अच्छे से याद करोगे इसको बिल्कुल भी आ, गलती नहीं करनी है प्योर फॉर्म ऑफ इथेनॉल प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड एप्सुलूट एल्कोहल याद रखना प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड एप्सुलूट एल्कोहल क्यों बहुत मशहूर है ये एल्कोहल नाम से इसी को जानते हैं ठीक है ऑल एल्कोहलिक बेवरेजेस का एक्टिव पार्ट है यह इसके अलावा टॉनिक्स कफ सिरप के अंदर एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है टिंक्चर आयोडीन में आयोडीन प्लस इथेनॉल होता है पावर एल्कोहल क्या है इथेनॉल प्लस एक और चीज़ मिलाई जाती है ठीक है पेट्रोल के अंदर जब इथेनॉल मिलाते हैं तो वो एक अच्छा फ्यूल की तरह साबित होता है दैट इज पावर एल्कोहल डी नेचर्ड एल्कोहल इज इथेनॉल के मिसयूज को बचाने के लिए उसमें थोड़ा पॉइजन मिलाते हैं स्पेशली जो केमिकल फैक्ट्रीज है वहां पर इथेनॉल लेकर शुरू ना हो जाए तो उसके लिए थोड़ा सा उसको उसमें पॉइजन मिलाते हैं कि लोग उसको कंज्यूम ना करें उसको कलर दिया जाता है ब्लू कलर का उसको कलर दे दिया था इससे पता लगे कि भाई ये कंज्यूमेबल नहीं है डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं उसको ठीक है सो ये है इसके बाद अगर हम बात करें तो इथनोइक एसिड की इथेनॉल एसिड लिखा फैमिली से सो व्हेन आई से इथनोइक एसिड इथनोइक एसिड ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से है फार्मूला है CH3COOH और एसिडिक नेचर है वो न्यूट्रल था ये एसिडिक है ठीक है इथेनॉइक एसिड सर्दियों में अक्सर सत्रह डिग्री पे ये फ्रीज हो जाता है तो सर्दियों में तुम देखोगे सेवेंटी डिग्री नॉर्मली आ जाता है तो ये फ्रीज हो जाता है बर्फ की तरह दिखेगा इसके लिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं यूज बता दिया फाइव टू एट परसेंट जो है वो विनेगर बनाता है विनेगर कई फूड आर्टिकल्स में पिकल्स हो या चाइनीज हो बहुत सारी चीजों में यूज होता रहता है ठीक है इसके अलावा भी इथेनॉइक इतनौ, एसिड के और भी बहुत सारे यूजेस हैं ठीक है अब इथनॉलिक एसिड से एक बहुत जबरदस्त केमिकल बनता है विच इज सी एच थ्री सी ओ और ये क्या है सी टू एच फाइव दिस इज एस्टर एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड तो चॉकलेट्स में अगर तुमको फ्रूट्स का फ्लेवर देना है बनाना का ऑरेंज का तो जो फ्लेवर्स होता है वो एक्चुअली एस्टर्स होते हैं अलग अलग वैरायटी के सी टू एच फाइव की जगह सी थ्री एच सेवन आ गया अलग एस्टर बन गया अलग फ्रूट का स्मेल आएगा तो परफ्यूम्स में चॉकलेट्स में साबुन में यूज होता है ठीक है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट सो कैसे बना इथोनॉलिक एसिड को जब इथनॉल से रिएक्ट कराया ध्यान देना क्या हुआ इंपॉर्टेंट है दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जिस रिएक्शन में एस्टर बनता है उसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं ठीक है सो so, हुआ क्या यहां पर आप देख सकते हो सी एस थ्री सी ओ ये सी टू एच के साथ में मिल गया सी एस थ्री सीओ ओ सी टू एच दिस बिकम्स एस्टर और एच और ओ OH एच मिला के क्या बना एच टू ओ ठीक है तो साथ में यहां पर क्या निकलेगा एच टू दिस इज एस्टरफिकेशन रिएक्शन बिल्कुल नहीं भूलना है इथेनॉल इथेनॉइक एसिड आपस में मिलके एस्टर बनाता है अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड तुमको बोलेंगे ए प्लस बी गिव्स एक्स विच इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर सीधा दसवीं में वही है भाई ए ए और बी के फॉर्म में रिएक्शन आते हैं स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड दसवीं में और कोई नहीं है इतना याद रखो इसके बाद इसका रिवर्स रिएक्शन वही एस्टर वही एस्टर अगर एनएओएच मिलाया जाए तो क्या होगा जो सोडियम है वो सी टू एच फाइव को रिप्लेस कर देगा सी थ्री ओ एन ए बन जाएगा प्लस वापस से क्या मिल जाएगा इथेनॉल सी एच थ्री सीओ एन नथिंग बट अ बेसिक सोप मॉलिक्यूल सोप है एस्टर से जिस रिएक्शन में और भी रिएक्शन में होता है जिस रिएक्शन में एस्टर से सोप बना उस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं याद रखना द रिएक्शन विच सोप इज फॉर्म फ्रॉम एस्टर है ना कोकोनट ऑयल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके गर्म करके साबुन बनता है बेसिक सोप मॉलिक्यूल और भी इसके फॉर्मूलाज हो सकते हैं बेसिक वाला है सीएस थ्री एन ए क्या नाम देंगे इसको इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट सोडियम एसिटेट सोडियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको दिस सोप मॉलिक्यूल सो वॉट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन द रिएक्शन विच एसिड रिएक्ट टू गिव एस्टर इज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन वॉट इज सेपोनिफिकेशन द रिएक्शन एस्टर रिएक्ट विद एनज टू गिव सोप प्लस इथेनॉल इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी सी विथ NaOH गिव डी प्लस बी देखो इथेनॉल यहां कंज्यूम हुआ फिर प्रोड्यूस हुआ, हुआ तो कुछ भी कॉम्बिनेशन में रिएक्शन आ सकते हैं बिल्कुल नहीं भूलना है इसको लिख के दस बार प्रैक्टिस कर लो इसको ठीक है तो ये हो गया आपका एसिड एसिड इथेनॉल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर के आगे चलते हैं और उसी सोप से थोड़ा सा जोड़ते हुए अच्छा गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड डिस्टिंग एसिड तो आप ये कह सकते हो एसिड जो इथनॉइक एसिड है उसमें अगर सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट तुमने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा है एसिड प्लस सोडियम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव सॉल्ट वाटर और सीओ टू तो अगर कोई केमिकल टेस्ट पूछा है जो इथेनॉल और इथोनॉइक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सके तो यह बहुत बढ़िया टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर मैं दोनों टेस्ट ट्यूब में डालू एक में इथेनॉल है एक में इथोनॉक एसिड आई डोंट नो किसमें क्या है तो इथेनॉल में कोई रिएक्शन नहीं होगा इथेनॉल न्यूट्रल है न्यूट्रल से एन ए कोई रिएक्ट नहीं करता पर वही बेकिंग सोडा मैं अगर इसमें डाल रहा हूं किसमें इथेनॉइक एसिड में तो वहां पर एफरवे कार्बन डाइऑक्साइड का एफरवे प्रोड्यूस होगा तो पता लग जाएगा कि दैट इज वॉट दैट इज योर यथेनोइक एसिड सो अ बेस्ट केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड या फिर एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज एडिंग सोडियम बाय कार्बोनेट देम वेयर द एफरवे प्रोड्यूस दैट इज एसिड जहां पर नहीं वो तुम्हारा एल्कोहल हो ठीक है डिस्टिंग अच्छा तो ये भी रिएक्शन है ये भी याद रखना कि इथेनॉल प्लस सोडियम कार्बोनेट का एक रिएक्शन क्या बनेगा बताओ जरा से एन एच सी ओ थ्री एन ए टू सी ओ थ्री प्लस इथनॉइक कैसे सी एच थ्री सी ओ ओ एच सी एच थ्री सी ओ ओ एच क्या बनेगा विल गिव एन so, ए है ना इसकी जगह पर सोडियम आ जाएगा सो सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए सोल्ट प्लस एच टू ओ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सेम चीज यहां पर सोल्ट वाटर सी ओ टू सर ये वही है ना सोप हां सोप ही है ना ये सोडियम एसिडेट पर इसको सेपोनिफिकेशन रिएक्शन नहीं बोलता है. ठीक है सर दिस इज सिंपली एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल बायकार्बोनेट रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया मैंने अच्छा अगर मैं कहूं एन एच प्लस सी एच थ्री सीओ एच क्या रिएक्शन होगा प्लस एच टू ओ ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये भी दिया हुआ है अच्छे से नोट कर लेना देखो यहां पे तीनों में सेम चीज बन रही है पर इसको सेपोनिफिकेशन नहीं बोलता सेपोनिफिकेशन सिर्फ वही है, है जिसमें एस्टर से सोप बना ठीक है डिस्टिंग्विज बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट सोप और डिटर्जेंट के बीच में क्या अंतर है सोप और डिटर्जेंट के बीच में यह अंतर है कि सोप जो है डिटर्जेंट uh, तो पता ही है कपड़े को ज्यादा अच्छे से क्लीन करना है तो डिटर्जेंट यूज होता है और थोड़ा सा कम सफाई मतलब ज्यादा डर्ट नहीं लगा है इजिली निकलने वाली चीज है तो उसको सोप से अपन कर लेते हैं राइट right? तो ये ज्यादा हार्श होता है कपड़ों पे यह थोड़ा सॉफ्ट रहता है दिस इज बायोडिग्रेडेबल तो एनवायरमेंट के लिए ठीक ठाक है दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल माइक्रोब्स इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे तो पानी में बहुत पोल्यूशन करेगा ये हार्ड वाटर में यूज हो सकता है ये इसका एडवांटेज दिस केनॉट बी यूज विथ हार्ड वाटर ये लेदर नहीं फॉर्म करेगा इस कम फॉर्म करेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट फॉर्म करेगा इट विल नॉट फॉर्म लेदर झाग नहीं बनाएगा ये स्कम कम ऐसा क्रीम जैसा लेयर बनाएगा ये ठीक है वेल विद सॉफ्ट वाटर वेर एज डिटर्जेंट वर्क वेल विद बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर दिस के नॉट बी यूज विद हार्ड वाटर दिस इज बायोडिग्रेबल सो गुड पॉइंट दैट इज नॉन बायोडिग्रेबल तो वो दैट इज नॉट गुड पॉइंट ठीक है इसके बाद सबके अपने एडवांटेज अपने डिसएडवांटेज है कि यह हार्ड वाटर में भी यूज हो सकता है अच्छी बात है बट ये बायोडिग्रेबल अच्छी बात है ठीक है दे हार रिलेटिवली वीकर क्लेंजिंग एक्शन ठीक है सॉफ्ट है वीकर क्लेंजिंग एक्शन ज्यादा है लेकिन कपड़ों पर हार्श होगा ठीक है इसके बाद केमिकली क्या है केमिकली सोप इज सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एसिड फैटी एसिड जो अपन ने अभी एक देखा सोडियम ये क्या है जरूरत नहीं खरी नाम याद रखो ये भी ऐसे भी तुमको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया ठीक है सो दिस इज सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड दिस इज सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेनजीन सल्फोनिक एसिड ठीक है भाई अब यहां पर क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या है भाई सोप सोप मॉलिक्यूल बताया अपन ने सी एच थ्री सीओ एन ए तो इसमें दिख रहा है कि भाई एक कार्बन चेन है और दूसरा सोडियम वाला एंड है एन ए प्लस और ये तुम्हारा सी एच थ्री ओ माइनस वाला एंड इसको टेल बोलते हैं और इस एंड को हेड बोलते हैं ठीक है जैसे ही पानी में जाएगा साबुन ना पता है क्या है साबुन एक इंटरमीडिएट है बिटवीन ऑयल एंड वॉटर तुम्हारे कपड़ों से जो दाग नॉर्मली नहीं निकलते वो जिद्दी दाग वो तेल के दाग होते हैं तो पानी क्यों नहीं निकाल पाता क्योंकि तेल का दुश्मन है पानी उससे तेल से उसका कोई नाता नहीं है ठीक है तो एक ऐसा मध्यांतर एक ऐसा कुछ बीच वाला एलिमेंट होना चाहिए जो उसको तेल और पानी को जोड़ सके इफ यू वॉन्ट टू एक बॉटल में तुमने तेल और पानी लिया तेल ऊपर फ्लोट करता है पानी नीचे रहता है मान लो कोकोनट ऑयल एंड वॉटर देखो रख के पर इफ यू वॉन्ट टू मिक्स साबुन डालो या डिटर्जेंट डालो देखो कैसे इसके एक एंड पे ऑयल और एक एंड पे वॉटर मिक्स हो गया मतलब वो मिक्स हो जाएगा तो एक्चुअली ऑयल और वाटर को एक एंड पे ऑयल को पकड़ने वाला और एक एंड पे वॉटर को संभालने वाला कौन होता है ये साबुन ही होता है वॉट so एपेंस अगर तुमने सोप मॉलिक्यूल को पानी में डाला पता क्या होता है ये जो एंड है ना दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड और ये जो एंड है ना ये जो हेड जिसको तुम बोल रहे हो दिस इज हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक यानी वॉटर लविंग पानी से एक अलग ही प्यार है इसको दिस इज वॉटर हेटिंग इसको पानी से नफरत है डर लगता है इसको नफरत हेटिंग या फिर फियर तो आप ये कह सकते हो तो जब ये साबुन का ये जो जब तुम पानी मिलाते हो बाल्टी में डालोगे तो क्या होगा कि दिस विल पानी के अंदर ये ना अपने आप को एक अलग ही तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे इंटीग्रेशन बना लेते हैं ऐसी संगठन ऐसी ग्रुप बना लेंगे ऐसे ऐसे बहुत सारे सर्कल्स यहां पे बनेंगे ऐसे बहुत सारे स्पीयर्स यहां बन जाएंगे ठीक है अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो व्हाट वो ऐसे इंटीग्रेट कर क्यों कर रहे हैं बाय दिस व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन कॉल्ड इसको बोलते हैं मिसेल क्या बोलते हैं इसको मिसेल तो मिसेल असल में क्या है कि ये इसका जो वाटर हीटिंग एंड है वो अपने आप को पानी से दूर रखने के लिए वो आपस में ही ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई इतना ज्यादा आपस में इकट्ठा हो जाओ कि पानी वहां तक हमारे पैरों तक ना पहुंच पाए दिस इज वॉटर हेटिंग एंड दिस इज वाटर लविंग एंड इसको कोई दिक्कत नहीं है तो इसलिए ये ऐसा स्पेरिकल स्ट्रक्चर ऐसे मिसेल्स को फॉर्म कर लेता है बहुत सारे मिसेल्स होंगे ऐसे ठीक है तो जो तुम्हारे कपड़ों पे दाग है जैसा मैंने बताया कि कपड़ों पे क्लोथ पे जो दाग जिद्दी दाग होते हैं जो जिद्दी डर्ट होता है वो डर्ट ऑयल बेस्ड होता है ऑयल बेस्ड ज्यादातर जो निकलते नहीं नॉर्मली पानी से तो ऑयल बेस्ड डर्ट को निकालने के लिए बेस्ट चीज है क्योंकि जैसे ही तुम ये कपड़े को ऐसे पानी में डालोगे जहां सोप के मॉलिक्यूल्स हैं जहां ऐसे मिसेल्स बने हुए हैं व्हाट विल हैपन इज कि इन इनको तो मजा आ जाएगा बिकॉज दे वांटेड टू हाइड फ्रॉम वाटर एंड दे गॉट पानी का दुश्मन मिल गया भाई इसमें जाके अपनी टंगड़ी डालते हैं ऑल दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट दे गेट इन साइड दे ट्राई टू गेट इन साइड द डर्ट डर्ट के अंदर मतलब पत्थर है पत्थर में सब उसके नीचे पैर ऐसे लगा रहे पानी से बचने के लिए ठीक है तो ये ऑयल से वो इतना ज्यादा पास आने की कोशिश करते हैं कि वो असल में उनको पता भी नहीं होता है मैकेनिकली वो इस ऑयल को उठा देते इस डर्ट को कपड़े से उठा देते दे आर बेसिकली ट्राइंग टू हाइड क्योंकि उनको पानी ये एंड को इस एंड को पानी से नफरत है तो जैसे ही डर्ट को देखा तो उनको लगा यार यहां छुप सकते हैं अपन क्योंकि ऑयल इज दुश्मन ऑफ वाटर तो ऑयल को पकड़ने की कोशिश में वो ऑयल को असल में कपड़े से डिटैच कर देते हैं एंड दिस इज हाउ द क्लेंजिंग टेक प्लेस इससे वो सफाई जो है वो हो जाती है ठीक है तो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप दिस इज दिस वॉज अ लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इसी के साथ आज के समाचार होते हैं समाप्त मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए अगले चैप्टर कौन सा तुमको चाहिए वो कमेंट करके बताना ठीक है एंड जो जो पार्ट तुमको स्पेशली डिटेल में पढ़ना है उनको आप अलग से व्यू टॉपिक सर्च करके चैनल का नाम एड यू हैप एड यू डालोगे यू गेट दैट ठीक है इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं इफ यू टू प्रैक्टिस दैस दैट पार्ट तो वो भी तुम ऐसे सर्च कर सकते हो कार्बन कंपाउंड बेस्ट क्वेश्चन एड यू हैप या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन बाय पढ़ाई करते रहें It. Download the app now.